तो वापस आ गए हम अपने स्ट्रीम में, और इस स्ट्रीम में कोशिश करेंगे कि बफर ना आए। आई होप कि बफर नहीं आएगा, ये पता नहीं, दे ही देगा तो क्या कर सकते हैं। ओके आई गॉट द एसकेएस, तो डीपी हटाओ, एसकेएस लगाओ, दैट्स व्हाट। यप, बफर नहीं हो रहा है, आई होप सो, और ना हो रहा हो तो ही अच्छा है, वरना अभी के अभी मैं मोबाइल पटकने के मूड में हूँ, क्योंकि तो मैं अपने नेटवर्क से पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ, नेट प्रोवाइडर से। भाई एक सेकंड, VSS की राइट थी क्या? VSS की राइट थी भाई, वहाँ पे वो गिर गया मेरा। एक्सटेंडेड उठाता हूँ ना, तो अच्छा चलो, अच्छा भाई। हाँ जी भाई, बने रहना साथ में यार, कसम से बोर हो गया था मैं काफ़ी देर से। और बताओ यार, आर एम जी व्लॉग मतलब तुम्हारा इन गेम क्या नेम क्या था, मैं भूल गया। रियान तो उसका नाम है ना। अबे शक्ति ले तो लेता, रियान तुम्हारा ही रियान नाम है, तो इट्स रेयान का क्या नाम है इन गेम? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ भाई, तुम्हारा नेम इन गेम नेम क्या है? अच्छा रिशु, हाँ याद आया, सॉरी रिशु, रिशु गुप्ता। तो एक बात बताओ रिशु, तुम तो किसी चैनल पे मॉड हो ना, तो मॉडरेटर? इज माई नेम, अच्छा ठीक है, तुम इन गेम नेम IGN, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम तो किसी चैनल पे मॉड हो ना, एज मच एज आई नो। पता नहीं इंफॉर्मेशन गलत, या फिर मेरी नॉलेज गलत भी हो सकती है, शायद तुम किसी चैनल पे मॉड हो, एज मच एज आई नो, एम आई राइट? गेमर्स लाइफ का मॉड हो, ओके ब्रो, गेमर्स लाइफ के मॉड हो, मतलब गौरव के मॉड हो, अच्छा। यार मुझे भी कोई मॉड चाहिए था, बट अभी कोई है नहीं, तो फिर मैं बनाऊँ किसे? ऐसे किसी को तो बना नहीं सकता यार, जो पहले भी बन चुका हो, जिसे नॉलेज हो, या फिर जो जानता हो कि मॉडरेटर्स का काम क्या है, जो मॉडरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने के लिए रेडी हो, उससे मॉड बनाया जाता है भाई। ऐसे ही मैं किसी को मॉड बना दिया, पता चला बाद में मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई। यह बड़ी मी, ओके भाई, जैसे गौरव भाई ने बनाया किसी को नहीं।
भाई थैंक्स यार शक्ति, मुझे लगा मेरे पे क्यों फायर कर रहा है ये, लिटरली मुझे ऐसा ही लगा भाई कि ये मेरे पे क्यों फायर करने जा रहा है भाई, इसने तो मुझे बचा लिया यार, थैंक्स ब्रो, थैंक्स बड़ी। अबे यार जल्दी जल्दी गिर जा यार, सप्रेसर तो एक है यार, मैं दो क्यों उठा रहा हूँ, मुझे 5.56 की एमर चाहिए, ढेर सारी, इतनी है 266 है, काफ़ी है, बट थोड़ी सी और उठा लेता हूँ, लालच अच्छी वाला है। मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर रहा हूँ गौरव, गौरव का आ जाओ। नहीं रिशु, मैं अभी डिस्कॉर्ड किसी का नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, अभी मैं मूड थोड़ा सा ना, एक्चुअली मेरे व्यूअर्स की वजह से मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ चल रहा है, फिर मैं किसी के डिस्कॉर्ड पे अभी जा नहीं रहा, सॉरी, बुरा मत मानना, मैं एक्चुअली जेलस नहीं फील कर रहा हूँ, मैं अपनी कौन जो है भाई? मॉडरेटर्स हैं, अरे सॉरी कर रहा हूँ, मैं अपनी जो सब्स हैं उनसे तो मैं भाई खाता बताओ हूँ। ना, कितने बंदे हैं, कहाँ बंदे हैं, कोई बोला ही नहीं कुछ। भाई भाई अब तो बंदे मार दिए, वो तो साला वेक्टर चला रहा था भाई, बता वेक्टर से मारा। वो तो ठीक है, लेकिन बताना चाहिए ना आप, मैं आ नहीं रहा था, मैं कह पत्नी कहाँ है बंदे, तुम बताओ बंदे कहाँ पर है तो मुझे पता चलेगा। हाँ, तो हम बात कैसे करेंगे ना, गाड़ी मॉड खड़ी उधर, मॉड बनने के लिए यार, बात कर लेंगे यार, कभी भी बात कर लेंगे, कहीं भी गाड़ी बात कर जा रही है लेंगे, एक, चल किधर भाई। गाड़ी निकालो यार, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, हमको भी जाना है, गाड़ी निकालो, गाड़ी 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 भाई, गाड़ी। कल आ रहा है गाड़ी? नहीं है भाई, भाई बंदे नॉकआउट कर रहे थे, उनको मार तो देना चाहिए था कम से कम। भाई भागो, क्या कर रहे हो? तो भाई हम अभी भाग रहे हैं, जी जान लगा के भाग रहे हैं। मरने की कगार पे आ गए हैं फिर भी भाग रहे हैं। बाहु मतलब, अच्छा भागो अरे हरामी, भाई, बोलो क्या बोलो, सारे किल चोर, जय माता दी। गाड़ी लेके आने वाला था यार।
पहुंच गया तो बल्ले बल्ले, वरना मैं मरा, नहीं पहुंच पाऊंगा। गया ये भी। आ जा जोन के अंदर, आ भाई जल्दी नहीं आ पाएगा। आ जाएगा। अबे क्या हद है यार, रुका भाई भाई मैं बहुत से लड़के आ गया और फिर भी भाई बताया नहीं, बचाया नहीं साले ने। अबे सामने सामने लेटा हुआ सामने बंदा। लेटा हुआ है भाई, मारना। पूरा मार उसको, पूरा मार उसको, पूरा मार उसको, पूरा मार उसको, पूरा मार किसी और ने मार दिया उसको। अरे किल लगे इसके। अबे कहाँ जा रहा है, सही जगह था, मार सकता था यहाँ से, आराम से क्लियर व्यू था, पकड़ के मारना था यहाँ से। यार क्या कर रहा है ये। तो आरएमजी भाई एक काम कर सकते, अगर यार मैं मॉड बना सकता हूँ तुम्हें, बस एक काम करना गांजे होगा का तुम्हें, घूम रहा है। एक काम सिर्फ करना होगा तुम्हें, मेरे स्ट्रीम पे शुरू से अंत तक बने रहना होगा क्योंकि भाई वो कंपलसरी है, तुम भी जानते हो ये चीज, क्योंकि मैं रूम आके क्रिएट जा रहा, करूंगा तो आके जा, आके भाई जा, आके ये तो होना चाहिए सपोर्टिव। रूम क्रिएट करूँ तो आके यार जा, ओके आके जा, आके जा। इसको भाई, वो रहा इस बंदा, मार 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 मार, वरना पड़ेगी, मार पड़ेगी भाई। काफी बंदे हैं, प्रोन होके ये मूव करे तभी सेफ खेल पाएगा, नहीं तो भाई ये तो गया भाई, तुम तो गए हो, ठाकुर तो गए हो। साले दो ही बंदे अच्छे हैं। भाई तुमको तो पता ही नहीं था इसलिए हम बता रहे हैं, क्या करें। वाह भाई, घास के बाहर आके बंदा ये स्पेक्टेट कर रहा है कि बंदे कहाँ है, स्पॉट करने की कोशिश कर रहा है, वाह क्या बात है। तेरे को देख लिया, तेरे को देख लिया भगवान से। अरे अरे मुझे गेम खेलना है और मैं आ रहा हूँ। सामने से पड़ रही है, क्या कर रहा है? ओके भाई, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमको मॉड नहीं बनना है ब्लॉक भाई, रिशु भाई। चलो कोई नहीं, अगर मॉड नहीं बनना है तो कोई नहीं। मच्छा पड़ेगी तेरे को। खोपड़ी खोल दो साले की भाई, राइट से जा, राइट से जा। ये मेरा देखो मेरा टीममेट है, मोरा, मैं मर गया हूँ, ये मेरा टीममेट है, रुक जा भाई, इसको शांत बता। करो। नहीं, राइट से जा, राइट से जा, राइट से जा, राइट ये मेरे से जा। टीममेट्स हैं, ये मतलब कि यार ओके, एक बच्चा है कोई जो कि टोटली प्रोन है और यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है भाई, इसके राइट में है कहीं मुझे लग रहा है। दूसरे में घर में तो देख ले एक बार। अबे वो पत्थर के पीछे उल्टी खोपड़ी, वो पत्थर के पीछे। अबे भाई, कोई तो पता नहीं कहाँ पे है यार। अंदर तो नहीं शायद इसके, नहीं प्रोन होगा तो क्या घंटा पता चलेगा, तो क्राउच करके अपने जोन में निकल, उसको देखने की बात है। तो जो चिकन मार रहा है वो आएगा अब। यो भाई मैं नहीं हूँ, ट्रैप डैडी खेल रहा है, नहीं मैं लेट खेलता तो यार पक्का हो के, लेट जाता। के जा, तो लेट के जा, लेट के। नहीं वेट, मैं लास्ट जोन में में पुश रहने कर। दो। अरे लास्ट में भागा दौड़ी रह जाएगी वो। राइट में है कहीं, राइट में है कहीं। भाई मुझे ले लो आप। हाँ ठीक है, देंगे भाई तुम्हें जरूर देंगे, कोई टेंशन नहीं। मर गया, ये जोन से मर गया भाई, जोन से लिटरली लोल भाई, ये तो पोकर का जीत गया। क्या मजा आया।
भाई ये तो लो सिचुएशन हो गया, ये तो फोकस से जीत गया। बढ़िया है यार, लकी है ये भाई, भाई लिटरली लकी है ये भाई, लक इसके साथ है अभी। दुर्गा पूजा के पंडाल होपिंग, मेरा पैरों में बहुत दर्द हो रहा है भाई साहब, क्या बताऊँ, गाना लोल जी। ओके ये गया, कोई नहीं, ब्लेड भी गया, ट्रैप डैडी रिशु आ जाओ, रिशु आ जाओ, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लो रिशु, जल्दी से डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लो, बात करनी है तो मेरे डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, मैं डिस्कॉर्ड पे कनेक्टेड हूँ भाई, आ जाओ जल्दी से। भाई मैं 2 मिनट दूसरे फोन से ऑनलाइन आता हूँ। ओके ऋषभ गुप्ता आ गया, शक्तिमान को एक बार फिर बुलाते हैं, देखते हैं अगर आ जाए तो ठीक, वरना नीलिता मिली नहीं तो जय सिया राम। अबे डिस्कॉर्ड में आ जा, तुझे पता है भाई क्या कर रहा है। अबे बिना माइक के खेलोगे तो मुझसे निकला जाएगा। स्नीक सुनना, गेम की तो माइक चालू कर ले भाई। रुक जाओ गाइस, 1 मिनट में बात कर दूँ इन लोगों से। सो गाइस दे कांट हियर मी, लेकिन कोई नहीं, हियर इज हियर, टेक हर। हेलो जाएगा यार, इसके लिए मैं स्ट्रीम बंद कर दूं क्या? क्या मजाक है भाई, डिस्कॉर्ड पे आओ सबके साथ, क्यों ऐसा कर रहे हो? खेलो तुम यार, मैं बाद में आता हूँ। और इतना भर है भाई पंडालों, भीड़ है भाई पंडालों में, क्या बताऊं, किसी तरह जान बचा के घर लौटा, अरे स्नेक्स यार, भीड़ों में से 1.5 स्नेक्स, आवर के लिए अरे मैं स्नेक्स, कहता हूँ, बताता हूँ, रुके रहो 1 सेकंड। किसी तरह मैं जान बचा के घर लौटा, भीड़ों में से 1.5 आवर्स के लिए लाइन में खड़े होके एक आइडल देखने को मिला। क्या बात है भाई, मतलब 1.5 घंटे से एक सिर्फ आपको इस वो आइडल देखने को मिला, यार ये तो बैड लक है लिटरली, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कोलकाता पूरा लोग ही लोग है भाई साहब हर जगह अब। हाँ कोलकाता तो भाई, कोलकाता तो मानना पड़ेगा, कोलकाता तो मैं भी जानता हूँ भाई कि कोलकाता एक ऐसी जगह है जहाँ पे भाई आपको पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर दुर्गा पूजा की भीड़ देखनी हो तो आप कोलकाता चले जाओ भाई, सबसे भयंकर भीड़ पूरे कोलकाता में ही लगती है। हाँ लॉग डिस्कॉर्ड में आओ यार, डिस्कॉर्ड में आ जाओ जल्दी से, डिस्कॉर्ड मैंने ज्वाइन कर रखा है और मैं वेट कर रहा हूँ। और गाइज जो भी मेरे मतलब कि मॉडरेटर बनने के लिए इंटरेस्टेड हो जल्दी से बता दो कि मॉडरेटर बनने के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है, क्योंकि यूट्यूब मॉडरेटर मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ कई लोगों को, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से यार बता दो। ओ श्रुति यू आर लेट, ऐसा क्यों कर दिया, पहले ही आना चाहिए था थोड़ा सा, लोल। हेलो श्रुति, हेलो, टेक्निकल न्यू पॉइंट, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, हेलो, और बताओ कैसे हो आप लोग, फाइव वॉचिंग गाइस, जल्दी जल्दी लाइक होते हैं यार, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बने रहो, मैं दिखाता हूँ कुछ धमाकेदार मैच, एक धमाकेदार गेम पे दिखाने वाला हूँ, और जॉर्जो पोल
या तो मिलिट्री लेते हैं या तो नोवो लेते हैं। नोवो चलते हैं गाइस, और सभी को बुला लिया है मैंने। और तुम्हारे वहाँ पे दुर्गा पूजा हो? रुको गाइस ब्रो, पढ़ूंगा मैं चैट, पढ़ूंगा जल्दी से पढ़ूंगा। तुम्हारे वहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहा है क्या? यस ब्रो, दुर्गा पूजा तो हर जगह होता है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि दुर्गा पूजा कहीं नहीं होता है, एक्चुअली हर जगह होता है। बस यही है कि पंडाल आपके यहाँ जो होते हैं कोलकाता वाले, वो भाई शानदार पंडाल होते हैं आपके यहाँ के, तो कोलकाता इसी वजह से सबसे फेमस जगह इसी वजह से है। 8 बंदे हैं तो भाई आठ आठ करके मारेंगे। ओके, 8 को 8 तरीके से मारेंगे बस थोड़े से। ओके, मुझे पता चल गया कहाँ कहाँ उतरे, सभी के सभी वहीं पे गए हुए हैं, तो हम इधर लूट करेंगे। घर साइड में इसलिए उतरे हैं ताकि थोड़ा सा सेफ भी रहे और थोड़ा सा फाइट करने का मौका भी मिले, ऐसा ना रहे कि यार भाई रैम्बो फाइट के चक्कर में मारे जाए हम लोग। यार हाँ, ये बोल रहा था भाई, दुर्गा पूजा का अगर तुम्हें सबसे भव्यता देखनी हो भाई, सबसे शानदार दुर्गा पूजा का लुक, तो भाई सब चले जाओ कोलकाता। गाइस पूरे इंडिया में सबसे शानदार जो होता है दुर्गा पूजा का पंडाल गाइस, वो कोलकाता में ही लगता है। एक्चुअली ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने खुद कोलकाता गया था, बट उस टाइम पे नहीं जब वहाँ पे दुर्गा पूजा था। एक्चुअली उस मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उसने पूरा लाइव मतलब टेलीकास्ट दिखा दिया देख के से। मैं सब कुछ वहाँ पे एकदम टोटली समझ लाइव देख रहा था कि भाई पंडाल में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि उसका खुद का भी एक मतलब उसकी फैमिली पंडाल एक लगवाती है। MVP एलेक्स ब्रो, यार आज क्या बात है, कोलकाता के सारे फ्रेंड्स से ऑनलाइन आ रहे हैं, क्या बात है, कोलकाता में सभी खाली हैं क्या आज के दिन? लोल भाई, MVP भाई काफ़ी अच्छा लगा यार, आप टाइम निकाल के हमारे स्ट्रीम पे आ गए और हमारे स्ट्रीम धन्य हो गया आपके आने की वजह से। यस, आई एम फ्रॉम कोलकाता भाई, जानता हूँ, आई नो योर ब्रो। यार इतनी जल्दी अगर अपने ही लोगों को भूलने लगा तो यार फिर कैसे चलेगा हमारा स्ट्रीम भाई? कैन यू सी दिस, मतलब कैन यू हेयर दैट भाई, गोलियों की भसड़ चल रही है वहां पे, भर भर की गोलियां सब बरसा रहे हैं। ओ भाई M24 मिली तो मार ना, स्कोप स्कोप लगा मार कैसी तरह से। भाई ला दे दे M24 दे दे। पागल यार, मतलब क्यों? कौन पागल, किसे बोल रहे हो? चैमरे प्लीज क्लियर करो। कितने पूजा देखे MVP भाई? लोल, अब यहाँ पे हमारे दुर्गा पूजा की जो हमने स्टार्ट की बातें, अब उसकी बातें होने वाली है गाइस, और बहुत मजा आने वाला है, बस बने रहो। काफी चीजें आपको ऐसे ही पता चल जाएंगी दुर्गा पूजा के बारे में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओ भाई, मैं कोलकाता के पास रहता हूँ बट कोलकाता के अंदर नहीं रहता भाई वो, एक्चुअली हाँ कोलकाता के वो पास रहता है फिर। ये क्या था? फक लिटरली होली शिट यार, श्रुति को यार इससे किसी हमें नहीं बोलना चाहिए था। श्रुति यार सॉरी, बुरा मान गई होगी। शी वॉज लेट, एक्चुअली शी वॉज लेट,
कुछ गलत नहीं बोला मैंने, लेकिन यार इससे किसी बोलना नहीं चाहिए था। सो गाइस चलो नेक्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं, और ओके RMG ब्लॉग ओके। हम तो एकदम सेंट्रल कोलकाता में, कोलकाता में रहते हैं। यस फोन मैंने लेट मी रीट्राई माय कनेक्शन देन यू सी क्लियरली। यार सॉरी यार एमबीपी भाई, वो जिज्जी नहीं था, अभी जिज्जी तो दिखाऊंगा। जिज्जी जिज्जी कहोगे अब बैक टू बैक जब बोलोगे। सो जस्ट वेट फॉर मिनट, ये सभी मेरे जो हैं टीममेट्स वो सारे ही एस और क्राउन लेवल के बंदे हैं। और सो मैं कभी लाइव स्ट्रीम बाद में करूंगी, अभी भी बता दो उसे। अभी तो क्लियरली बोल रहे हैं। शर्ट लगा कैसे है भाई? मस्त मस्त है शर्ट। सॉरी शर्ट बाय बाय, जल्दी मिलते हैं। ये कितना गंदा कर लेता है। 1 सेकंड। ओके बाय। साउथ कोलकाता भाई, प्रिया प्रकाश वॉरियर में। 1 सेकंड, ये कोई नया बंदा है, गरीबों का किंग, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। और प्रिया प्रकाश वॉरियर में आंख देखा था है माधर मी आंख दिखाता है माधर जाते ओके। तो मैं अच्छा हूँ गरीबों का किंग भाई, आप कैसे हो? आप लोग बताओ यार, लिटरली काफी दिनों से यार, कई लोग नहीं आ रहे थे, आज बहुत दिनों बाद काफी लोग, निकले। YouTube होने दे, वो कैसे आई बिकम फेमस। तो क्या टेंशन क्या है? हाँ ठीक है सारे। 1 सेकंड, श्रुति को यार बोल। डिस्कार्ड अरे यार इसको, था हाँ अभी आओ तो बात करता हूँ तुमसे सब। मन हाँ गरीबों के भाई, यार सही में बताऊँ तो मस्त हूँ, अच्छा हूँ, देखे बट बस थोड़ा सा मायूस हूँ, क्योंकि यार मेरे जो व्यूवर्स हैं काफी दिनों से देख रहा हूँ यार, आ रहे हो जा रहे हो आ रहे हो जा रहे हो, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, और कई लोग तो महीनों महीनों बाद हमें मतलब अटेंडेंस दे रहे हैं। सो ये थोड़ा सा यार अनफॉर्चुनेटली मतलब थोड़ा सा मायूस करने वाला है। और श्रुति एक बात बताओ, बोलो। अभी तुमने कहा था क्या कह रही थी? हाँ कि वो तो बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम आ गया? हेलो में गया था मैं गरीबों का किंग भाई, हेलो में आप कैसे पहुंच सकते हो? ये तो पॉसिबल नहीं है। माँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, माँ बीमार, मैं मर गया था, मैं गया था लोल ओके। भाई तेरा फ्रेंड को भी वो जोक बता दे ओके। प्रिया प्रकाश वॉरियर आंख मारती है, मैं आंख देखती। चल भाई ये थोड़ा सा ना वैसे शेयर करने वाला जोक नहीं है, आप लोग यार एंजॉय करो। साउथ कोलकाता लगभग घूम लिया पूरा, अब नॉर्थ कोलकाता घूमना ही बाकी रह गया। क्या लोल यार भाई, मतलब क्या तबाही मचाने वाले हो क्या? तो आप लोग साउथ कोलकाता नॉर्थ कोलकाता सभी जगह घूम रहे हो सबके साथ? गाइस सब साथ में रहना। श्रुति सुन पा रही हो? ओ वहाँ पे जाना है। श्रुति कैन यू हेयर मी? श्रुति कैन यू हेयर मी? ओ भाई कार 98 शिट, ये कसम से सबसे गंदा मैच लगता है, गेम खेलेंगे सबके साथ। अरे गंदा है, बी कर तो बी कर तो ये पीछे भी होता है।
ओ भाई लगा कैसे नहीं भाई, कौन सा रिकॉर्डर है? डीयू रिकॉर्डर ब्रो, डीयू रिकॉर्डर। लग गया तो भाग कर रहा है भाई, भाग कर रहा है। रूम खेलोगे आज भाई? खेल सकते हैं अगर आप लोग का मूड हो तो। अरे मेरे को साइड से कोई मारा, आपको दोनों को मार रहे हैं। अबे एक सेकंड भाई, वो बिल्डिंग में ऊपर कोई है, ओके उससे भी मुलाकात करते हैं। आओ मुक्का लात करते हैं उससे, गाइस उसकी बैंड बजाते हैं अभी के अभी। साले ये बिल्डिंग में छत पे चढ़ के ना बड़ी नौटंकियां करते हैं सर। मैं हाँ भाई मैं आ गया हूँ तो चिंता मत कर व्यूअर की। ओके ब्रो थैंक यू यार, अगर ऐसी बात है तो थैंक यू वेरी मच भाई। इसकी माँ का मैं इसकी तो बैंड बजा के रहूँगा। कहाँ है फेक टू बॉम्ब? आगे चलो, मैं चैनल पबजी मोबाइल की थारा ओ भाई क्या हुआ? हाँ 100 मिलियन सब भाई लोल। आप लोग बस एक काम करो, आप लोग बस एक मॉडरेटर कोई बन जाओ और कोई एक सपोर्टर आ जाओ। ओ भाई कितना सटीक मार रहा है ये, फक कितना सटीक मार रहा है भाई ये लिटरली, देखा भाई गजब मार रही है। मुझे लग रहा है ये मतलब वो है भाई, रुके रहो इतनी ज़्यादा इन गेम वॉइस यार कान फाड़ दे रही है, आप लोगों को आवाज़ भी नहीं आती होगी मेरी आई थिंक। हाँ तो मैं क्या कह रहा था यार, आई थिंक ये सब एमुलेटर प्लेयर्स हैं। और भाई अगर आपको यार इंटरेस्ट है तो आप मॉड बन सकते हो मेरे, अगर आपको मतलब मेरे सब्स की चिंता है तो यार, अगर सपोर्ट करना है तो मॉड बन के आप प्रमोट भी कर सकते हो। और साथ ही साथ भाई इस पे भाई एक ही बार आज तक मैं पूरे लाइफ टाइम पे उस ड्रॉप पे मैं उतरते वक्त चढ़ पाया हूँ। मैं लैंड कर रहा था तभी उस ड्रॉप पे चढ़ गया था, उसी ड्रॉप पे मैं धीरे धीरे नीचे आया था। पूरे लाइफ में एक ही टाइम अभी तक जब से गेम खेल रहा हूँ तब से एक ही टाइम हुआ ऐसा। क्या मजाक है यार, ये तो लूट डाला सब कुछ, कोई नहीं। ओके यहाँ पे कोई उतरा है पास में, घर में गया मिले तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीर से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की। ए भाई रुक जा 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 रुक 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 रुक, क्यों पुश कर रहा है इतना ज़्यादा भाई पुश। फक अब हम लॉस पे, नाउ वी आर ऑन द वे। आई न्यू इट बिकॉज यार वो यार वहीं पे साला। श्रुति आई कांट हियर यू, श्रुति मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। साले कमीने मिल के मारते हैं, चलो कोई नहीं भाई। ये डिसएडवांटेज है, बहुत गंदा लगता है मुझे। रुको श्रुति, ओके मेरे साथ है। अरे उतरो श्रुति, कहाँ जा रही हो? और यार माइक
इन डिस्कॉर्ड की माइक ऑन करके इन गेम बोलो ना, डिस्कॉर्ड की माइक ऑफ करो पहले, फिर इन गेम आवाज आएगी तुम्हारी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि डिस्कॉर्ड में तुम्हारी आवाज क्यों आ रही है। मैं यार अभी तक तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रहा था, वही मैं कह रहा कि तो अभी मेरा कमेंट पढ़ो भाई, रुके रहो एक सेकंड भाई। पेटीएम मनी दोगा आप? एक्चुअली भाई वो स्पॉन्सरशिप होती है। एक्चुअली होता क्या है कि श्रुति इन गेम माइक ऑन करो, ऑफ करके ऑन करना माइक, ठीक है, चलने लगे। तो भाई हाँ भाई एक क्वेश्चन है कि आप इन गेम वॉइस चैट ऑन कर पाते हो रिकॉर्डर में? नहीं भाई, नहीं इन गेम वॉइस चैट ऑन नहीं कर सकते हम। और नहीं लोल, ये रिवाइव करने आई है मैडम जी, मेरे मरने के कगार पे जब देख लिया तो रिवाइव कर। यार इस समय रिवाइव नहीं किया करो छुट्टी, और इन गेम माइक ऑन करो, ऑफ करके ऑन करो, इन गेम माइक ऑफ करो, ऑफ करो पहले फिर ऑन करो। और भाई पेटीएम मनी दोगे? एक्चुअली वो पेटीएम क्या होता है ना कि हम सैटरडे और संडे को एक कस्टम रूम मैच कराते हैं, ठीक है, उसमें पेटीएम मनी स्पॉन्सर होता है, जो विनर होते हैं, जो कुछ किल्स होते हैं लाइक मेरे ऊपर हेडशॉट के किल्स के पैसे होते हैं, तो ये सब प्रॉफिट होते हैं जो मतलब कि आप ले सकते हो अगर आप अच्छा एक गेम प्ले दिखाते हो। अगर आप हेडशॉट लेते हो लाइक मुझे हेडशॉट लेने का मैं कई बार स्पॉन्सर देता हूँ, और ऐसे ऐसे कुछ होती हैं, विनिंग प्राइज होता है, विनिंग अमाउंट प्राइज होता है, और मैक्सिमम मैक्सिमम किल्स पे होते हैं और हेड शॉट पे होता है। ओ भाई मिस, ऐसे ऐसे करके हम काफ़ी प्राइज मतलब डोनेट किए हैं अभी तक, और करीब करीब हम लोगों ने अब तक अगर देखा जाए वन पॉइंट ऑफ सीकर। ओ भाई रुक 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 रुक, तेरे से भी मुक्केबाजी होगी। भाई भाग 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 भाग, अबे साले कार 98 भड़ुए की आवाज़ सालू कभी ना। हाँ ठीक है, तो गाइस हाँ मैं बोल रहा था कि आप गेम खेलो, विनिंग प्राइज अमाउंट रखी जाती है, आप उस प्राइज को जीत सकते हो बड़े आसानी से। और गरीबों का किंग भाई, अगर आप मेरे स्क्रीन पे ऐसे रोज आ सकते हो और टाइम दे सको, अगर मेरे स्क्रीन पे मतलब जब भी मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ अगर आप आ सको ऐसे टाइम दे सको तो क्या हुआ श्रुति, क्या हुआ? एक सेकंड, इन गेम तुम्हारी आवाज़ अभी तक नहीं आ रही है, और एक्चुअली तुम्हें करना क्या था कि डिस्कॉर्ड का माइक ऑफ रखना था ना यार, डिस्कॉर्ड का माइक ऑन क्यों किया भाई? पेपैल हेलो ऑफ था तो लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारा स्क्रीन देख रहा था मैंने ऑन किया था, उससे बात करी थी। हाँ ओके, तो वैसे तो जा सके कि इस तरीके से, तो अभी फिर से रुके रहो मैं थोड़ा सा छुप जाऊँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है ओके। हाँ मुझे डिस्कॉर्ड की आवाज़ आ रही है तुम्हारी, और डिस्कॉर्ड की आवाज़ काफ़ी रुके रहो। अच्छा और एक काम तुमने वो किया, यहाँ का डिस्कॉर्ड का माइक ऑफ करके गेम में जा करके गेम का माइक ऑन ऑफ किया? ब्रो डू वन थिंग, डू नॉट से स्पीकर अगेन एंड टर्न ऑफ स्पीकर। ओ भाई सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है गेम स्टार्ट करते हैं। और ठीक है अब आपकी ना आपकी बार आगे दोबारा नाम नहीं लूँगा, आपकी बार अभी गेम दिखाऊंगा, ठीक है। और चलो गाइस चलते हैं, मैं भी बिल्डिंग में हूँ। अबे आगे मेरे सामने आ गया साले, मौत का तबासा देख रहे, मेरी मौत का तबासा देख रहे कमीने। भाग, मैं आपकी बार पंगे नहीं लूंगा तेरे से, मुक्के वाले पंगे तो नहीं लूंगा। अबे यार ये फिर आ गया यहाँ पे, यार ये क्यों देता है मतलब
यार M24 दे दो, AKM दे दो, समझ में आता है, लेकिन यार ये मतलब इसमें AR दे देता है उठा के। मैं लीव कर रहा हूँ, श्रुति बाहर आ जाओ, श्रुति बाहर आ जाओ, ठीक है? गेम लीव करो और यहाँ पे माइक ऑफ करके लीव करना, ठीक है? यहाँ पे डिस्कॉर्ड में माइक ऑफ कर देना और गेम लीव कर दो। बिकॉज माई पेरेंट्स विल हियर इट एंड माई एयरफोन इज नॉट चार्ज भाई, ये तो भयंकर वाली होगी आपके। एक्चुअली मेरा एक व्यूअर है, उसका ईयरफोन ब्लूटूथ है और उसका ईयरफोन चार्ज नहीं है, और वो बोल रहा है कि श्रुति का नाम बार बार लेना बंद करो वरना मेरे पेरेंट्स अगर सुन लेंगे और मेरा ईयरफोन चार्ज नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो वही बोल रहे वो। नहीं माइक म्यूट मत करो, मैं तुम्हारा नाम ना लूँ वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है? तो एक काम करो, अभी यहाँ पे माइक म्यूट करके गेम में एग्जिट मारो, ठीक है? गेम एग्जिट करो। सो गौरव जस एंड मिल्टो सिंह इज विथ अस, और हम आ चुके हैं बाहर, देखते हैं। ओके आई थिंक यहाँ पे सभी बाहर आ चुके हैं, दैट मीन्स यार यहाँ पे बियर्डेड निगा इज ऑन हिज लाइव स्ट्रीम विद द रूम आईडी एंड पासवर्ड, लेट्स टॉक टू हिम। बियर्डेड निगा हेलो, हेलो बियर्डेड निगा, 15 people are watching the stream, thank you so much guys, and who have joined the stream, thank you so much, B and all N, people can you hear me? Discord pe aise bhai Bedernica, can you hear me? Snakes is there, हाँ भाई। अभी पहली बार सुना है क्या? कब से बुला रहा हूँ अरे यार। वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो जब चल रहा होता है गेम तो वो थोड़ा म्यूट हो जाता है, तो मैं म्यूट ही मतलब तो कि गेम वो अभी स्टार्ट स्टार्ट हो हो गया गया क्या? वॉल्यूम नहीं स्टार्ट हो, आ जाओ लेट मी शो यू ऑन योर चैनल एज़ वेल। ओके तो मेरे चैनल पे जल्दी शेयर करो और मैं अपनी एक फ्रेंड को बुला के आता हूँ तब तक, ठीक है? और डीओ लगाना, ठीक है भाई? ठीक है ठीक है भाई, आ रहा हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी सब फट से ज्वाइन कर दो, एंड पीपल आर वाचिंग द स्ट्रीम, थैंक यू सो मच, एंड तो भाई तभी तबाही मचा दो, यस सर गौरव भाई। हेलो श्रुति, टीम लीव करो और मेरे स्ट्रीम पे, या फिर टीम लीव करो मेरे गेम में, मतलब मेरे टीम में आओ तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? टीम ज्वाइन करो मेरा, क्योंकि मैं भाई मेरा यूट्यूब चैनल देख लेना भाई, जरूर देखूँगा। एंड यह गर्ल आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं भाई मैं गया, एक्चुअली हम रूम में जा रहे हैं, रूम आईडी पासवर्ड जल्दी हमें मिलने वाला है, हमारे स्ट्रीम पे अभी आ जाएगा। और ब्रो और जल्दी से श्रुति, यस श्रुति श्रुति आ जाओ, रूम आईडी और पासवर्ड आपको मिल चुका है गाइस, स्क्रीन पे है। रूम आईडी इज 16591 और पासवर्ड 12345 6। ड्यू है और यहाँ पे 17 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइंट इन है, ज्वाइंट है। और यहाँ पे मैं गौरव जैस के साथ टीमिंग अप करूँगा, क्योंकि यार बाकी टीममेट्स के अंदर कुछ जोश दिखाई नहीं देता। सो यहाँ पे हमारे डुओ जो है कुछ तबाही मचाने लायक लगती है। सो गाइस जल्दी से आ जाओ सभी के सभी, जितने भी हो और इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से ज्वाइन इन कर लो, और चलो चलते हैं फिर यहाँ पे तबाही मचाते हैं कुछ। अभी दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 17-18 मेंबर्स आ चुके हैं अब, और द नंबर इज स्टिल काउंटिंग, तो अगर नंबर बढ़ रहा है तो भाई बहुत मजा आने वाला है। बाय भाई, क्यों भाई क्या हो गया गौरव भाई? ओ रूम लीव हो गया गरीब भाई, अरे गरीब भाई क्या हो गया? गरीबों का किंग यार, ऐसा क्या हो गया, क्यों जा रहे हो आप? दिल हमारा ऐसा दिल ना तोड़ो भाई, हमारा दिल ना तोड़ो सर जी, आ जाओ, काहे लिए आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, तू प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। नहीं भाई अब हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अब हम उनके साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है, तो हम अब रूम में खेलने जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरिल्ला गुरिल्ला अफेक इज विद अस, और यार मिल्टू सिंह हमारे साथ से हैं, तो गुरिल्ला अफेक को मैं अभी नहीं जानता, और लेट्स टीम अप विद गुरिल्ला अफेक। अगर मेरा कमेंट पढ़ भाई, पाज भाई स्पेलिंग से करो, तो प्रॉब्लम कर रहे पेटीएम के, तो भाई मेरा यूट्यूब चैनल देख लेना। हाँ मैंने वो पढ़ा, और ये गर्ल आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं भाई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं इसका पहले भी रिप्लाई दे चुका हूँ। माँ मैं ओपन कर गेम, आप मेरे साथ खेलोगे भाई? आप रूम ज्वाइन कर लो जल्दी से, हम साथ में खेल लेंगे रूम में, एक ही टीम में।
डीओ है तो भाई रूम ज्वाइन कर सकते हैं, तो जल्दी से हम आ जाइए और हम आपके साथ खेलेंगे। मैं ज्वाइन तभी करूंगा अगर आप मेरे साथ खेलोगे। हाँ तो आ जाओ भाई, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आप आ जाओ, हम आपके साथ खेल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्यों टेंशन ले रहे हो, आप जल्दी से बस आ जाओ। और टीम नंबर मतलब कि कुछ ऊपर ही ज्वाइन करना जहाँ पे मैं देख सकूँ आपको। तो आप जो भी मतलब जो भी नाम से हो, हम जल्दी से आ जाओ। एक्चुअली आप अपना इन गेम आईजीएन बता दो, इन गेम नेम बता दो, ताकि मैं आपको जान सकूं कि आप कौन हो, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी लोग टीम अप करने के लिए परेशान है। बट आई एम टाइड टायर्ड ओके। कोई नहीं, फिर कल खेल लीजिएगा आप मेरे साथ, और आज मेरे गेम का मज़ा लीजिए। बस बैठिए चेयर पे और पीछे की तरफ थोड़ा सा लेट जाइए और फिर इस गेम का मज़ा लीजिए। सो सॉरी बट आई विल लाइक टू सस्पेक्ट। ओके कोई नहीं भाई, सस्पेक्ट करना बहुत एक्सपेक्टेड कहते हैं, सस्पेक्ट नहीं कहते हैं, एक्सपेक्टेड कहते हैं। और एक्सपेक्टेशन भाई मज़ा अलग ही होता है एक्सपेक्टेड करने का। अभी तो बंदे कम है, इस वजह से मैं गेम खेल रहा हूँ। अगले नेक्स्ट मैच में मेरे ख्याल से बंदे और आ जाएंगे, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेक्टेशन, स्पेक्टेटिंग मोड। और यहाँ पे 8 टीमें हैं जिसमें से एक सोलो है, खलनायक बियर्डेड निगा इज हेयर। भाई बियर्डेड निगा भी कूद पड़े हैं टीम गेम में, और बियर्डेड निगा मूव टू द बेंच, लेट्स टॉक टू हिम। एक सेकेंड, वेट भाई कहाँ गया, अबे कहाँ गया। ओके ब्रो, गेम स्टार्ट हो चुका है और लेट्स सी। यार मेरा एक ईयरफोन नहीं दिख रहा है, मैं ईयरफोन अपना चेंज करना चाह रहा था लेकिन दिख नहीं रहा है। सो यस, अरे यार यहीं पे तो रखा है, शिट। सो गाइस हम आ चुके हैं गेम में और जल्दी जंप किए हैं ताकि पहले पहुंच सकें। और आई थिंक आई एम सोलो बिकॉज मेरा टीममेट आई थिंक लास्ट मोमेंट पे मुझे लीव कर दिया है। ब्रो डोंट, क्या ब्रो, डू नॉट से तबाही से भसड़, लोल। ठीक है भाई, भसड़ मचाने वाले हैं हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, भसड़ मचाएंगे, तबाही भसड़ और गंदगी गंद सब मचाएंगे यहाँ पे। आप टेंशन नहीं लो, जल्दी से बस हमारे साथ बने रहो। और यार ओके हो रहा, ओ गौरव जैसे डेड बाय हेड शॉट। भाई ये बहुत अनफॉर्चुनेट था गौरव जैस के लिए, क्योंकि भाई हेड शॉट मरना गौरव जैस के ऊपर अगर किसी ने स्पॉन्सर किया होगा तो भाई मुझे बिना मतलब के फोकट का फायदा होने वाला है। लोल, अगर गौरव जैस के ऊपर अगर हेड शॉट का स्पॉन्सर होगा तो, क्योंकि भाई हमारे जो स्पॉन्सर टीम है वो ये गेम अभी चला रही है, तो पता नहीं स्पॉन्सर हुआ होगा नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो, बट आई होप सो कि हुआ हो ताकि मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए। और गरीब अगर डू नॉट से एनर्जी ड्रिंक से पेप्सी, अरे लस्सी सर जी, पेप्सी कौन बोलता है, अरे ये तो लस्सी है, अरे ये तो प्यार है पगले, का करे बोलते हो भाई। तो हम जा रहे हैं गौरव जस को लूटने, देखते हैं उनके पास क्या था जो वो हमसे छुपा रहे थे, ऐसा क्या था जो इतना मुस्कुरा रहे थे, ऐसा क्या था जो इतना छुपा रहे थे। अरे भाई गौरव जस ने मुझे बहुत बार मारा है, और लिटरली बार बार मारा है, इस वजह से आज बड़ी अच्छा लग रहा है लस्सी।
आओ नहीं तो का लस्सी ना बोलियो तो का बोलियो ये भाई वर्टिकल फोर के उठा लो कहते कि वर्टिकल फोर के बाद में बड़ा काम आता है जी ब्रो पैन से मार अबे पागल है क्या अभी भाई ओ सॉरी नहीं मतलब पागल नहीं एक्चुअली यार मैं कभी कभी यार मस्ती में थोड़ा सा वो हो जाता हूँ। हाँ तो ये कह रहा था भाई पैन से मारने के लिए यार अपने पास होना भी चाहिए कुछ मतलब कि ये मैली बैटल होता तो बात अलग होती है ऑल वेपन है ब्रो पैन से मारना जाओगे अच्छी खासी भसड़ मेरी बचाएंगे मतलब मेरी बोटियों को सिकोड़ समेटते फिरोगे सबके सब फिर अगर मैं ऐसे गया तो पैन से मारने गया तो आई मीन ओके इन गेम वॉइस थोड़ी इन गेम आवाज़ थोड़ी सी कम है गेम की तो उसे बढ़ाते हैं। हाँ ये अच्छी है ये काफ़ी है द वन नेम था दैट आई कैन नॉट फॉरगेट मियाँ खलीफा। अबे यार क्या मजा करते सर जी तब भी जी मियाँ खलीफा का नाम यार मतलब यही एक नाम रह गया था जो आप भूल नहीं पाते हो आपको सपनों में आता है यही नाम लिटरली क्या मजाक करते हो सर जी आप भी सॉरी सर जी सॉरी शक्तिमान आपको मारना पड़ेगा सॉरी भाई 4x उठा लिया लेकिन 2x उठा लो जल्दी से क्योंकि EMP में लॉन्ग रेंज मारने के लिए 2x ही सबसे बेस्ट होती है क्यों अभी 6 लोग अलाइव हैं और डायरेक्ट किल है सभी के सभी मतलब सोलो है ये स्क्वाड में ड्यो मैच नहीं है ये सोलो वर्सेस सोलो है तो अभी तक तो मैं काफ़ी लोगों को मार चुका हूँ। अबे ये नहीं हुआ कर भाई ऐसे में तो बंदे 4 बार मारेंगे भाई शायरी है सिंगल लांडे के लिए कल मेरी क्रश थी वाह 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 कल मेरी क्रश थी आज बहन हो गई ओ फक भाई फक लिटरली फक कल मेरी क्रश थी आज मेरी बहन हो गई कल जो हमें पापा पापा कह के बाथरूम में बाहर करते थे यार नहीं जा रहे छोड़ ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दो छोड़ रहे अंदर भाई इतना इतना भी हाई लेवल का नहीं बोलना चाहता मैं। अबे यार फक ये क्या लैग हो गया शिट कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कूल डाउन कोई नहीं साले कैंपर्स चलो कोई नहीं हाउ इज इट ये बढ़िया था भाई बढ़िया था कल मेरी कश्ती वाह कल मेरी कश्ती आज बहन हो गई
मिल्टो सिंह और रिकी ही सिर्फ अलाइव हैं आई थिंक, नहीं दो और हैं, स्नाइपर गॉड और लेमन डोनर, तो इनको आने देते हैं और तब तक हम आपको अपनी शक्ल दिखाएं क्या, अगर आपको शौक हो मेरी शक्ल देखने का तो। जल्दी जल्दी अगर शक्ल देखनी हो तो स्पैम मारो हैश टैग फेस कैम हैश टैग फेस कैम, जल्दी जल्दी स्पैम मारो गाइज। और उसके बाद अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं अपनी शक्ल जरूर दिखा दूंगा, मीन्स अपना फेस। तो तब तक देखते हैं हमारे पास कुछ क्रेट्स वेट्स कुछ हैं। अबे बस्कर ये क्या कर रहा है, लोल प्राइम ट्रैवलर सेट, लेकिन भाई सही बताऊं किलर लग रहा है ये। ओ ये कत्ल करे तेरा बॉम्ब। तेरी कर दी है मैंने ऐसे छोटे ड्रेस में बॉम्ब लग दी है मैंने, तो सील वो फिट्रेस ये पीले ना ना ये कत्ल करे तेरे बॉम्ब किलर। यार क्या कहता है वो, बॉम्ब किलर नहीं करता है, कत्ल कर बॉम्ब फिगर, यस बॉम्ब फिगर बोलता है, कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर। ओके यार हो गया, कोई फेस कैम के लिए हैशटैग दिया ही नहीं भाई, स्पैम किया ही नहीं किसी ने, तो फिर मैं फेस कैम नहीं ऑन करूँगा भाई, नो नो चांस गाइस। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट रूम का, और जैसा कि देख सकते हैं गौरव सिंह, गौरव जस्ट, स्नाइपर फॉर्म, मिल्टो सिंह सभी आ चुके हैं यहाँ पे लाइव। और यार मैं सोच रहा था क्यों ना इन्हीं सबको लेके एक वो स्टार्ट कर दूँ, क्या कहते हैं उसको, आई मीन सब मैच। लेकिन अभी सभी के सभी वेट कर रहे हैं रूम आईडी और पासवर्ड के लिए, सो लिव इट, अभी यार हम बने रहेंगे साथ में और कलेक्ट करते हैं सब कुछ धीरे धीरे हम अपने रूम। आसमां इसका, आसमां में देखा तो प्लेन एरोप्लेन निकला, वाह वाह वाह, आसमां में देखा तो एरोप्लेन निकला, सामने देखा तो, एक सेकंड, आसमां में देखा तो एरोप्लेन निकला, वाह वाह वाह, आसमां में देखा तो एरोप्लेन निकला, सामने देखो तो होतिया निकला, लोल एंड आई एम गोइंग टू स्लीप, गुड नाइट, गुड नाइट ब्रो। और यहाँ पे हमें रूम आईडी पासवर्ड दूसरी मिल चुकी है, और लेट्स गो फॉर द रूम आईडी, रूम 19192 78 एंड द पासवर्ड इज 1 2 3 4 5 6। तो ब्रो आई जस्ट वांट टू से बेटर निगा, कैन यू हियर मी, आई जस्ट वांट टू से कि इस बार मैं स्पेक्टेट करने के मूड में हूँ, सो कैन यू मेक अ प्लेस फॉर मी। नौ दस मेरे को ज्वाइन करना, हाँ नेमी तनुभव, सो इज देयर एनी स्पॉन्सर, ओके क्लाइंट में ऐड कर, ओके
गरीबों का कहेंगे यू आर अनुभव, मुझे याद है आपकी थोड़ी सी कुछ गलतियां थी, कोई बात नहीं। और हाँ बने रहो हमारे साथ यार, प्लान में ऐड कर लेंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है, आपको हम जल्दी ऐड कर लेंगे प्लान में। और यार बस बने रहो हमारे साथ। और यार अभी हम अगले मैच में जा रहे हैं जिसमें हम स्पेक्टेट करने वाले हैं। सो यहाँ पे 13 लोग अलाइव हैं, और अगर कोई भी स्पॉन्सर आया तो मैं इन गेम आ सकता हूँ। सो बेटर निगाह, बेटर निगाह, इफ एनी स्पॉन्सर स्पॉन्सर विल बी देयर आई विल बी इन द मैच। लोल हाय, मेरे को क्लैन में ऐड करो भाई साहब। तुषार पटेल, ओ तुषार पटेल इज हेयर ऑन योर स्ट्रीम। यार तुषार भाई हमारे पे भी दर्शन दे दिया करो यार, थोड़े गलती नहीं थी वो। हाँ गरीबों का किंग वो था यार, थोड़ा सा कुछ मतलब इशू, देखो मैं सिर्फ उसे नहीं कह सकता, मैं ये कहूँगा कि इशू दोनों तरफ से हुआ था भाई, उस समय आपकी भी थोड़ी सी थी, सब सभी के सभी उस समय रेज मोड में थे, तो ऐसा कोई बात नहीं है, मैं कुछ किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। और प्रणव ब्रो, यू हैव लॉट ऑफ मॉड्स, आई लाइक दैट। तुषार, तुषार भाई क्या बोल रहे हैं, आपने पढ़ा नहीं शायद, बेटर निगाह यू शुड रीड इन, तुषार भाई कुछ बोल रहे हैं। हाँ वही 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 मैं बोल रहा हूँ भाई, वो अपने पैसे बचाने की बात कर रहे हैं। कोई नहीं गाइस, यार एक स्पॉन्सर करते करते यार कितने दिन तक एक स्पॉन्सर करेगा। गाइस अदर भी हैं, आप स्पॉन्सर कर सकते हो, आप भी हो साथ में उसकी यार। छोड़ो यार कोई नहीं, गलती नहीं थी वो, छोड़ो छोड़ो कोई नहीं अनुभव, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हाइपर मत हो बस यार, स्ट्रीम पे बने रहो साथ में, और यहाँ पे जल्दी गेम स्टार्ट होने वाला है। और एक काम करते हैं, सुनो बेडेड बेडेड, क्लोज क्लोज द स्पेक्टेटिंग सीट, आई एम गोइंग इन, ओके ओके मतलब ओपन चैलेंज की भाई, तुम ड्रॉप कभी नहीं लेते, तुम अब ड्रॉप लो। सो फाइनली हम ड्रॉप लेने वाले हैं गाइस, और हमें ओपन चैलेंज मिला है कि दो ड्रॉप लेने पे हमें 40 रुपीज़ का प्राइज मनी मिलने वाला है। सो लेट्स गो भाई, 350 रुपये में मिल रहा है, बट ओनली पेटीएम प्लीज, आप रॉयल पास दिला दो गरीबों को, गरीब को। ब्रो 350 में 2000 चीज़ें नहीं मिल रहा है, आप थोड़ा सा लगता है आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है, एक्चुअली काफ़ी हाई प्राइस है यूसेज के, और आपको अप्रॉक्स कुछ नहीं तो आई थिंक एटलीस्ट आपको, लोल गौरव जी को पिछले गेम में मैंने गौरव जी से मौका पाके मुझे ही पहले उठा दिया, सो फाइनली गौरव जी लकी थे। सो गौरव जी टुक द रिवेंज यार, पिछले गेम में गौरव जी को हमने मारा था, और गौरव जी ने पिछले गेम को में हमने गौरव जी को मारा, और गौरव जी ने इस गेम में पहली बार हमी को मार दिया, सो दिस इज द रिवेंज गाइस।
काफी अच्छा डिफेंस था, लिटरली लकी थे गौरव जस की, उनके पास पहले ही गन और एमओ आ चुकी थी। सो गाइस सिलेक्ट नाउ प्ले एंड विन द प्राइज मनी। ओके तुषार भाई ने ओपन चैलेंज दिया, सॉरी यार तुषार भाई, आई अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंटेड यू। मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ करना, लेकिन यार क्या करें भाई, तुषार भाई कोई नहीं, हम यार आई एम डेड। और अनफॉर्चुनेटली मुझे गन नहीं मिली स्टार्टिंग में, मैं गन के लिए नीचे भी कूदा, लेकिन पहले से ही गौरव भाई के पास गन थी और उन्होंने हमें उड़ा डाला, तो लाइफ हो गई झींगा लाला। लेट्स गो, हम थोड़ा सा गेम वे में एकाग्र हो यार, सोलो या फिर वॉर खेलते हैं, वॉर खेलने में बहुत मजा आता है सुना है, और सोलो वर्सेस स्क्वाड जाएंगे और तबाही मचाएंगे। गाइस सोलो वर्सेस स्क्वाड का मज़ा ही अलग होता है, आप अभी देखते रहो साथ में और दिखेगा आपको कि सोलो वर्सेस स्क्वाड में आखिर खेलता क्यों हूँ। सो गाइस सोलो वर्सेस स्क्वाड काफ़ी अच्छा मतलब मैच है सोलो वर्सेस स्क्वाड, और आपको देखने में मज़ा भी आएगा। सो बने रहिए हमारे साथ, कीप एंजॉइंग, कीप वॉचिंग, और देखते रहो थोड़ी देर और। मॉडरेटर ब्रो यू कैन पोस्ट एनी थिंग यू वांट, बस गाली नहीं होनी चाहिए। और मॉडरेटर एक्चुअली गरीबों का किंग, आई थिंक अनुभव यू शुड बी मॉडरेटर। तबाही, ओके भाई, कभी तबाही बोलता कभी भसड़ बोलता, मैं बोलूँ क्या आप ही बता दो। लोल ओके आपने कहा तबाही नहीं बचानी है तो भसड़ मचानी है। ओके हम मचाएंगे भाई, भसड़ भसड़ मचाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, भसड़ मचाएंगे, भर भर के भसड़ मचाएंगे। तो डोंट वरी, कहीं मत जाना, हमारे साथ बने रहो। वॉर में आ चुके हैं और यहाँ पे काफी अच्छा रॉयल पास दे दो आरएस भाई, 350 रुपये की अगर रॉयल पास आ रही है तो फिर यार जरूर ट्राई करेंगे कि आपको रॉयल पास मिल जाए। यार तो क्या चला, पैदा खुश हो रहा भाई, दे तो 1200 यूसी। तो भाई मेरे पास एमो नहीं है, मैं भाग रहा हूँ सिर्फ, गाइस देख सकते हो। ओ भाई ये ऊपर कहाँ देखने गया था, फिर भी मैं बच सकता था, लेकिन कोई नहीं, बचने का कोई फायदा नहीं था। और टीम भाई मैं सोलो होकर भी नंबर 1 पे चल रहा हूँ गाइस, सो चीयर मी अप यार, कुछ तो बोलो, #किलर, #असासिनेटर, कुछ भी बोलो, गन स्लिंगर, बर्जरकर, कुछ भी बोल दो गाइस, आई डिजर्व इट यार। ओ भाई ये अंदर कहाँ क्या कर रहा है भाई, अंदर क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, मरेगा क्या? सो गाइस यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर ही एक बंदा लेटा हुआ है,
टीम फाइनली यहाँ पे आ चुकी है। अब भाई कमेंट पढ़ो, हैशटैग नूब लोल यार, और आपकी वॉइस कैसे बढ़िया थी, मेरी तो नहीं आती बढ़िया, और तेरा रिकॉर्ड का लिंक दे दो भाई, भाई फेस कैम दिखा अभी, भाई दे दो तो ओके ब्रो, लो फेस कैम अभी ऑन कर दिया हमने, ओके और लो ये रहा कैमरा, और ये रहा कैमरे का साइज़। एक्चुअली कैमरे का साइज़ इसलिए छोटा करना पड़ा क्योंकि ब्रो जानते हो यार इन गेम में है और स्कोप का यूज़ कम होगा, सो आई होप कि भाई नहीं 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 फेल से डैमेज नहीं यार, हद है सो भाई काफ़ी लोग जा रहे हैं वहीं पे जहाँ पे हम थे पहले, ओके यहाँ पे काफ़ी बंदे हैं, तो हमारे पास एक ही मेडकिट है, लेट्स यूज इट। भाई लिटरली क्या मजाक था, दिव्यांग गर्ग, भाई बाहर नहीं जाऊंगा अब की बार, बाहर नहीं जाऊंगा, और रैंक वन से हम कौन से रैंक पे आ गए, फिफ्थ रैंक पे, फक भाई हैंडसम एंड सॉरी लग रहा है क्या भाई, हैंडसम हैंडसम नहीं है एक्चुअली, आप तो सब भी बोल रहे हो एडवांस में, भाई हैंडसम और सेक्सी लग रहा है क्या फेस, बट क्या आपका हेयर तो बेस्ट है और एंड वॉइस भी, ओके ब्रो थैंक यू वेरी मच, और एक लड़के को ब्लश कराना एक इंटरनेशनल लेवल का क्राइम है, शायद आपको ये पता नहीं है, सो प्लीज़ डोंट मेक मी ब्लश। अबे क्या यार ये दिव्यांकर हैकर है साला, मैं इसको रिपोर्ट मार दूंगा साले को, कसम से ये दिव्यांकर कुछ ज़्यादा ही हैकिंग कर रहा है साला, देख रहे हो भाई मैं इसको मार रहा हूँ, इसको कुछ नहीं हो रहा, मुझे सब बहुत कुछ हो जा रहा है। तो फाइनली हम आ चुके हैं फिर से वहीं पे, जाएंगे वहीं पे, इसको पहले और नीचे करते हैं, यस अब भी मज़ा आएगा भाई, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, अब यार नहीं इधर नहीं, मर जाएंगे, ओके भाई लूट ले एमओ बेटा, जितना लूटना है लूट ले, खटाखट लूट ले, मौका नहीं मिलेगा फिर, भाग अब, हेलो ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम, यार कहाँ चले जाते हो आप लोग, आप लोगों के बिना दिल नहीं लगता, ब्लश का क्या मतलब होता है भाई, शर्माना,
मेरे से पंगे नहीं लाल, मैं एक्चुअली नॉक करके छोड़ूंगा सालों को ना, तड़पने दो तड़पने दो, मजा आएगा। रूम एडमिन पासवर्ड इज गिवन गाइस, जिसको भी ज्वाइन करना। मैं तो एट्थ में हूँ, क्या एट्थ में है भाई, आपका एट्थ में क्या है? एक सेकंड भाई, मैं मैसेजेस कम पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी टीम को फिर से रैंक वन लाना है। रैंक फाइव पे ही चल रहा हूँ भाई, इतने किल्स के बाद भी गेम नहीं हुआ कुछ। फक यार फक, मेरे किल्स चुरा लिया भाई लिटरली। 17 किल्स यार, अच्छा गेम प्ले था ये, एक मज़ा आया। और सोलो वर्सेस स्क्वाड देखो गाइस, इसी वजह से मैं खेलता हूँ यार, इसका एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही जील आती है अंदर से और इंटरेस्टिंग होता है इसका गेम प्ले। सो यार फेसकैम बड़ा करता हूँ। सो गाइस दिस इज मी, और यार क्या है ना कि मोबाइल से स्ट्रीम करने में यार थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। और सो गेम जो चल ही रहा है, गेम तो देख ही रहे हो आप, गेम 17 किल्स और एक अच्छा गेम प्ले यार, यहाँ पे एक अच्छा मैच हुआ है और एक अलग मज़ा आया है भाई। लिटरली बताऊँ, लास्ट में हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ी है, लास्ट में जब वो बंदा आ रहा था भाई, वो बंदा लिटरली मैं मार सकता था उस बंदे को, बट यार कैसे वो एक गोली और खाता तो वो टोटली नॉकआउट था, वो भी मर जाता। सो यार कोई नहीं, गलती हुई है थोड़ी सी, लेकिन फिर से चलते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड और वॉर मोड ही चल रहे हैं। सो गाइस विश मी गुड लक, और यार बने रहो मेरे साथ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एक अच्छा गेम प्ले। और गाइस यहाँ पे मैप थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि मैं सोलो ही हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि किस साइड से मुझे कौन से बंदे कहाँ से मारने वाले हैं। मैं जिधर भी बंदे देखूँगा उधर ही मारना शुरू करूँगा। सो बस बने रहो मेरे साथ। और गाइस फेस कैम कैसा लग रहा है बस मुझे बताते रहना। नेम इज क्लास, प्लेस वेयर यू लिव, व्हाट्स योर प्लान ऑफ योर लाइफ, हाउ मच डू यू अर्न, वेट फ्रॉम यूट्यूब फेवरेट, रुक जा भाई बाद में बताऊंगा। इतना डिटेल अभी भाई, इतना डिटेल अभी देखने के लिए टाइम थोड़ा सा कम है। सो लेट्स सी, वो बहुत से UMP9 अपने हाथ में भाई, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है लिटरली गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। जल्दी जल्दी लाइक ठोक दो और हैशटैग करो बर्ज़र्कर।
डैब डैब कर रहा है क्या? डैब कर रहा है मतलब? भाई रीलोड, अच्छा एमओ ही नहीं थी अपने पास, सॉरी। अगर यार एमओ नहीं है तो फिर कुछ तो कर नहीं सकता। सोलो वर्सेस स्क्वाड आया हूँ और रैंक 2 है अभी भी, और 2 किल्स ले चुका हूँ अब तक। और भाई डैब कर रहा है, डैब का क्या मतलब होता है भाई? डैब का मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा, आप क्या कहना चाहते हो? डैब का मतलब मुझे नहीं पता। सो गाइस, यहाँ पर एक्चुअली फेस कैम के लिए मैं मुझे थोड़ा सा एक लाइट ऑन करनी पड़ती है, वरना अंधेरा हो जाता है, अंधेरा कायम हो जाता है, और जो कि आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्या कर रहा था मैं? भाई नो, आई एम फीलिंग लाइक यू आर नाउ गोना बी मेक मी फन। नो, मैं आपका मजाक नहीं बनाने वाला सर जी, मैं अपने स्ट्रीमर्स का मजाक नहीं बनाता कभी, मैं अपने व्यूअर्स का मजाक नहीं बनाता एक्चुअली, स्ट्रीमर नहीं। मैं क्वेश्चन पूछ और आप नहीं बताएंगे। भाई यार देख सकते हो यार, वॉर मोड खेल रहा हूँ, वॉर मोड में यार क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा तब तक मैं तो यार मैं काफ़ी रैंक पीछे चला जाऊँगा। देख सकते हो कि सेकंड रैंक से फोर्थ रैंक आ गया इतनी जल्दी, जबकि एक अच्छा गेम प्ले दिखाने के बावजूद। तो गाइस थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सब्र रखो। नो हेल रिप्लाई आफ्टर दिस मैच, यस ब्रो आप बिल्कुल सही समझो। रिप्लाई कर यार, देखो यही अनुभव तुम्हारा थोड़ा सा ना इशू है यहाँ पे, तो सॉरी बट मुझे बोलना पड़ा है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा इशू है। क्योंकि तो भाई यार स्ट्रीम को मैं देखूँ, गेम को देखूँ, या आपको मैं देखूँ, आप ही बताओ। जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हो, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ मेरे पास आए हो, अगर मैं वही चीज़ ना दिखाऊँ तो आपको कैसा लगेगा? जो चीज़ आप लेने दुकान पे जाओ, अगर दुकानदार वहीं बोल दे कि सारी चीज़ें करें, लेकिन वही चीज़ ना दे जो आप देखने करने के लिए आप आए हो, जो लेने के लिए आप आए हो दुकान पर, दुकानदार के पास। तो गाइस लिटरली मैं यही सोचता हूँ कि यार आप लोगों को बोरिंग ना लगे, दैट वाज फनी जो। अरे यार ये तो फिर से दिल पे लेने लगा भाई, आप इमोशनल काफ़ी हो, काफ़ी इमोशनल फील करते हो। वो बंदे नहीं दिख रहे हैं, मैं पागल हो जाऊंगा कसम से, गुस्सा आ रहा है अभी मुझे। आ जाओ साले सामने कोई तो आ जाओ, मरने मर जाओ मेरे हाथ से। ओके मेरे डर से लगता है सारी स्क्वाड अब इधर करने लगी। क्या रे साढ़ पत्ती कर रहा? ओ भाई दो दो ने मिल के मारा भाई, ये मतलब लेवल देखो गाइस, दो दो को मारना पड़ रहा है मुझे मारने के लिए। लोल फकिंग लोल, बड़ा वाला लोल। अबे उतार दिया अब तो। अच्छा रिस्पॉन्ड 1 सेकेंड, ओके रिस्पॉन्ड पे ज़्यादा टाइम नहीं ले भाई, जितना टाइम लेगा उतना ही ज़्यादा मैं पीछे हो जाऊँगा, तो ज़्यादा टाइम मत लो, जल्दी जल्दी उतारो। पढ़ो पादो, पढ़ो या पढ़ो भाई, कंफ्यूज ना करो लिटरली भाई, इससे तो किसी को भी भाई डर लग जाएगा। रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, रिप्लाई। अरे भाई 1 सेकंड रुक जा। अच्छा ठीक है मैं रिप्लाई देता हूँ, रुक जा। ठीक है मैं स्ट्रीम रोक के रिप्लाई दूंगा अभी, ठीक है? ओके गाइस मैं गेम रोक रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक व्यूअर हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही यार अग्रेसिव टाइप के, अग्रेसिव नहीं मीन्स उनको मैटर करता है यार कि उनकी बातों को हर कोई रिप्लाई करे, दैट वाज। ओके रिप्लाई क्या बता दो एक बार गरीबों को, गरीब को। नो रिप्लाई आफ्टर मिड मैच, भाई फुटस्टेप आ गई उसे मुझे मेरी, और वो मुझे अभी खोज की मारेगा।
ओके लेट्स सी गरीब भाई के क्या क्या क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी बताऊंगा भाई। ओके नेम प्रशांत सिंह, एज 20 23, और क्लास भाई बेसिक फर्स्ट ईयर, प्लेस वेयर यू लिव, वाराणसी यूपी। व्हाट द प्लान ऑफ योर लाइफ भाई, अभी तो मीन्स ट्रेडेबल मेडिकल लाइन है, मेडिकल लाइन में अप टू डाउन अभी काफ़ी चीज़ें मैं कंसिडर करता हूँ, वो अभी क्लियर नहीं है। हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, यूट्यूब में अभी मैं मोनेटाइज नहीं हूँ तो यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन हाँ मुझे डीओ रिकॉर्डर की 100 सब्स की अर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, तो उसमें मुझे वीडियो डालना होगा और उसमें ऐड होगा जिसमें इंट्रो और आउट्रो दोनों ही वीडियो के ऐड होंगे, तो ये है। और फेवरेट फूड भाई, फेवरेट फूड बाटी चोखा, गर्ल कोई नहीं, बॉय मेरा फ्रेंड है सत्यम मिश्रा, वो मेरा फ्रेंड है। हीरो, हीरो यार हीरो कोई ढंग का नहीं लगता मुझे अभी, और सही बताऊँ तो अभी कोई है नहीं कुछ ऐसा, मेरा आइडियल अभी तक कोई नहीं बन पाया। और पॉर्न स्टार, या पॉर्न स्टार किसे मैं बताऊँ, फेवरेट पॉर्न स्टार यार कई हैं लेकिन किसी को मैंने कभी फेवरेट नहीं माना। कैरी वर्सेस बीबी, कैरी मिनाती वर्सेस बीबी के वंश, यार ये हार्ड क्वेश्चन है भाई, ये हार्ड क्वेश्चन है। कैरी वर्सेस बीबी भाई, कैरी वर्सेस बीबी में मींस आई डोंट थिंक कैरी वर्सेस बीबी, कैरी। और होतिया वर्सेस मदर भाई, अगर मेरे पे अपॉइंट हो रहा है तो वो तो मैं होतिया, ठीक है। टूथपेस्ट में नमक है भाई, ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, टूथपेस्ट में नमक है क्या? यस ब्रो, मेरे टूथपेस्ट में नमक है, और नहीं होता तो भाई मैं डाल डाल के खा देता हूँ लिटरली। कई बार मम्मी मी बोलती है, हफ्ते में एक बार आपको टूथपेस्ट में अलग से नमक डाल के आपको टूथपेस्ट करना चाहिए, मेरी माँ बोलती है, पता नहीं क्या होता है उससे। उन्होंने बोला कि भाई उससे मतलब उससे क्या होता है कि कीटाणु जो होते हैं, जो प्लैक्स होते हैं, और जो दांत का कलर होता है वो मेंटेन रहता है, तो ये सब है। और हंसना बंद कर भाई। ओके तो गाइस फिर से चलें, क्या बोलते हो, फिर से चलें, गेम ख़त्म चलो भाई फिर से चलते हैं, कोई नहीं गेम ख़त्म तो यार अगला गेम अभी है, बाकी है भाई, पार्टी अभी बाकी है, कोई टेंशन नहीं है, मैं पूरी रात यहाँ पे हूँ और पार्टी अभी बाकी है। 4 बज के नहीं 4 नहीं बजे, 1 अभी बजे हैं, बस पार्टी अभी बाकी है। माई नेम ब्रो, माई स्टमक इज स्पिनिंग, इंटरनेशनल क्वेश्चन लोल, हाँ भाई सही में जो लास्ट आपका क्वेश्चन था वो इंटरनेशनल लेवल क्वेश्चन था। हेलो भाई अयान शेख, वेलकम टू स्ट्रीम। यार आप लोग काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हो, कई लोग नए नए फेसेस आ रहे हैं धीरे धीरे, बस सब्स करके भूल गए हो आप लोग, बिकॉज ऑफ यू माई स्टमक इज स्पिनिंग। ठीक है भाई कम हंसो, स्टमक पेन कर रहा है तो क्यों हंस रहे हो आप, थोड़े से कंट्रोल कर लो। और फिर से वही, वाह मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ इस बार भी समझियो। AKM भाई लिटरली अभी अभी गंदा मैच होगा, क्योंकि भाई AR से खेलना और SMG से खेलना, भाई SMG का मैं भाई ओनर हूँ, SMG भाई किलर हूँ, ठीक है। ब्रो एज कितनी थी मेरी, तो 13 है तभी इसमें भाई नहीं समझ पाते बात, नॉकआउट है लेकिन किल्ड किसी और के द्वारा हुआ है। एक्चुअली एज मेरी 23 है, आपसे 10 साल ज़्यादा है एज भाई, मैं बीमार था। ओके अयान शेख, और आपसे एक बात करनी थी, आप में से कौन था यार, मुझे याद नहीं है, किसी ने तो मॉड का प्लेसमेंट मांगा था मुझसे कि भैया मॉड बना दो, और मैं अभी उसके लिए जब मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो वो मिल नहीं रहा है कि किसने बोला था कि भाई मॉड बनाओ। सो अगर आप लोग आप में से कोई है जो मॉड बनने की कोशिश मतलब इच्छा रखता है, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से बता दो। हद्दा यार, शुड आई क्वेश्चन मोर क्वेश्चन, हाँ पूछ सकते हो जरूर पूछो, जितना तुम्हारे अंदर क्वेश्चन है ना भाई निकाल डालो आज सारी भरात भाई, तुम्हारा कभी उफ तक नहीं करेगा। ओके M16A4 मिली है, मतलब कुल मिला के M16A4 है, M416 है, M16A4 है, M16 सबसे घटिया गन। बड़े बंदे ये रहा मैं, ओ नहीं, मॉड बन के क्या करना होगा
मॉड बन के कुछ नहीं भाई, बस मेरे स्क्रीन पे आपको थोड़ा बने रहना होगा थोड़ी देर, और जितने भी गलत शब्द यूज करेंगे लाइक अब्यूजिव या फिर कुछ ऐसे, तो उनको ब्लॉक करना होगा। और बस लिंक कभी मैं किसी को रेड किया लाइक 10-20% के साथ अगर मैं रेड करता हूँ, तो आपको वो लिंक मतलब कि जिसको मैं रेड करने वाला हूँ उसके लिंक को बस आपको स्पैम करना होगा, दैट्स ऑल। तो ज़्यादा वर्क नहीं होता है, मॉड बन के भाई मज़े ही होते हैं ज़्यादातर। वार्निंग, व्हेन यू एवर स्क्रॉल डाउन कमेंट योर फिंगर ब्लॉक हाफ कैमरा। ओ भाई होता है, क्या कर सकते हैं यार, अब कुछ तो यार मतलब मोबाइल का कैमरा है यार, फेस कैम होता तो बात अलग होता। लो यहाँ पे देख लो, स्कोप यूज करने के डर में हाफ कैमरा मैं कवर नहीं करना चाहा और ऐसा हो गया। वो मुझे पता है भाई, आप बताओगे ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मुझे वो चीज़ ऑलरेडी पता है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। अभी कोशिश तो मैं भी करता हूँ यार कि जल्दी से मुझे एक पीसी या लैपटॉप मिल जाए, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। आप ही लोग यार कुछ डोनेट कर दो, मैं पीसी या लैपटॉप कुछ ले लूँ यार। बस 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 ज़्यादा नीचे नहीं, फिर से M16A4 हाथ में आई है। अबे क्या भाई, कभी मैं किसी को गाली नहीं देता, ओनली फॉर सम पीपल एंड टू मेक एनी जोक फनी जोक। नहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली, बस यही कोशिश किया करो यार कि मतलब अब्यूजिव वर्ड्स के बिना कोई जोक बनाओ जिसे दुनिया लाइक करे यार। अब अब्यूजिव वर्ड को यार क्या है ना कि दुनिया ही लाइक नहीं करती, अगर किसी भी स्ट्रीम कोई भी स्ट्रीमर अगर उसका मतलब कि विरोध ना करे तो भाई ऑब्वियसली बात है दुनिया को उससे का बुरा लगना ही लगना है। सो गाइस यहाँ पे हम कसम से बुरी तरह मर रहे हैं, 0 kill अभी तक, मतलब लिटरली भाई गेम ख़त्म होने को आया और मैं लिटरली अभी तक 0 kill है मेरे, क्योंकि यार एआर मुझे एक्चुअली यार बहुत मुझे मॉड पसंद नहीं है यार, वॉर मोड वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड आया हूँ, मैं नॉकआउट भी कर रहा हूँ तभी चले से बच जा रहा हूँ। ओके एक नॉक हुआ, लो भाई देख लिया नॉक किया मैंने, ले कोई और गया, तो यही हो रहा है अभी। इसीलिए मुझे भाई मनी नहीं दे सकता, सॉरी बट एंड रीड बाय चैनल नेम अगेन भाई, कभी मैं किसी वाले सकते भाई मनी नहीं दे सकता, सॉरी एंड रीड बाय चैनल नेम अगेन। गरीबों का किंग, ओके शाउट आउट टू गरीबों का किंग ब्रो, शाउट आउट फॉर गरीबों का किंग, शाउट आउट उतना भी तेज मैं नहीं देता ब्रो। अबे यार ये के तो मैं दिमाग खराब कर रखा हुआ है भाई, ये मुझे ही एम कर रहा है। गाइस इफ यू अग्री मैं फेस कैम बंद कर सकता हूँ क्या यार, एक्चुअली मुझे फेस कैम, चलो वैसे भी 9 मिनट में ये गेम खत्म ही होने वाला है, और 9 मिनट में क्या उसके पहले रैंक 1 पहुंच जाएगा कोई, तो आई होप कि जल्दी ये फेस कैम खत्म मतलब कि खत्म करने का मौका मिलेगा मुझे। जो बाल तो ऐसे ही, हाँ आपने कुछ बोला था बाल को लेके, तो भाई बाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाल तो ऐसे ले, एक को मैंने मारा फिर से मुझे पीछे से कोई मारा, यार मैं मारूँ किसे, हाँ कोई तो मुझे पीछे से मार ही रहा है, बाल आज ही कटा रहा हूँ भाई एक्चुअली, बाल हफ्ते भर से मैं कोशिश करता, हफ्ते भर से नहीं महीने भर से कोशिश कर रहा था कि बाल कटा लूँ, तो आज मैंने फाइनली बाल कटवा लिए अपने, तो थोड़ा सा बच्चा जैसा देखूँगा क्योंकि बाल काफ़ी छोटे हो गए, और कोई नहीं यंग दिखना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा यंग दिखने में भी प्रॉब्लम है। ये हो ब्रो आई एम फॉलिंग फ्रॉम अ रियली ग्रेट हाइट, ए बस 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 अबे नीचे पानी में मत चले जाइए, अच्छा उतरा है तो गाइस क्या करना है, कोई आ रहा है मेरे साथ या फिर मैं यहीं पे स्ट्रीम बंद करूँ ऑफ करूँ जो भी आप कहो। नहीं स्ट्रीम बंद तो नहीं करेंगे यार, अभी मतलब यार आप लोग इंजॉय कर रहे हो, स्ट्रीम बंद कर दिया तो यार मज़ा नहीं आएगा भाई,
स्ट्रीम बंद करके दूसरों को क्या मिलेगा भाई। दूसरों को अभी मजा आ रहा है तो मजे दिलाते हैं, दिलाते रहेंगे। और देखें कुछ ऐसे, हे सिक्स भाई क्या बात है आज फेस। हाँ भाई सोचा यार फेस कर लेते हैं, काफी दिनों से लोगों ने मेरे फेस को नहीं देखा और बीच में कभी कभी दिखाता हूँ तो एक ही दो लोग देख पाते हैं। तो आज मैं सोचा यार कि अपने हेल्थ को थोड़ा सा मतलब साइड में रखते हुए अपने फेस को यार दिखा लेते हैं। सो फाइनली फेस, और कैसा लग रहा है गाइस फेस कैम प्लीज बताना। थोड़ा सा तो नूब टाइप का लगेगा क्योंकि यार मोबाइल का फेस कैम है, तो यही रख लो। अगर लाइट नहीं जलाऊंगा तो ये काला काला दिखेगा। तो ये है मेरा टेबल लैम्प और ये जल गया लाइट, और तो ये मेरा है फेस भाई, शक्ल है क्या करें। सोलो वर्सेस स्क्वाड फिर से है गाइस, और कोई चेंजेस नहीं है, और एक अच्छा गेम प्ले दिखाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं लगातार। सो गाइस अगर यार इतना मेहनत मैं कर सकता हूँ तो गाइस आप इतना तो कर ही सकते हो कि यार एक लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक देना जो लोग नहीं ठोके हो अभी तक, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो क्योंकि ब्रो दिस इज गोना बी सो इंटेंस। फिर से SMG आ जाए बात तेरी की। कार 98, मैं अब यहीं पे एग्जिट मारूंगा। कार 98 का कौन गेम खेलता है भाई, कार 98 यार टाइम नहीं है इतना कि वॉर मोड एक्चुअली लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, कार 98 के साथ टुक टुक करने के लिए नहीं। ओ भाई अभी तक मैं खाना नहीं खाया भाई, आज तो मेरे साथ क्यों नहीं आए मिल्टन भाई, गुस्सा नहीं हो यार, सॉरी यार। आप अभी आ जाओ मेरे साथ, अभी खेल लो। एक्चुअली क्या है ना कि यार एक्चुअली मैं आपके साथ नहीं आया, एक्चुअली दिक्कत ये था कि मैं जब आया जिस गेम में वो गेम एक्चुअली फिर सोलो हो गया था। डियो कहाँ रह गया था, सोलो हो गया था फिर, सोलो हो गया तो फिर। और मिल्टू सिंह भाई कोई टेंशन नहीं है, कल आपके साथ जरूर खेलेंगे, और अगर गलती हो गई आपसे माफ़ कर दो, कल जरूर खेलेंगे आपके साथ। और भाई आप हमारे कभी आपको छोड़ेंगे थोड़ी ना, आप बस साथ बने रहो, हम खाते हैं स्नाइपर ट्रेनिंग। नहीं चलो स्नाइपर ट्रेनिंग ही चलते हैं भाई, स्नाइपर ट्रेनिंग काफ़ी दिन हो गया खेले हुए, लेकिन स्नाइपर ट्रेनिंग टुक टुक करने में मज़ा नहीं है, वॉर मोड ही खेलते हैं। वॉर मोड में ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वही सबसे बेस्ट है अभी के लिए। मेरा कमेंट पढ़ो भाई, पढ़ो बोला लिखा करो यार, तुम पादो लिखते हो। नो आई एम टॉकिंग दैट आई एम गरीबों का किंग नो मनी। ओके गरीबों का किंग नो मनी, सही बात है गरीबों का किंग, लेकिन किंग हो भाई, किंग कभी भी विदाउट मनी नहीं होते भाई, वो कभी भी बोल देना तो एक शब्द में उनके सिर्फ एक फरमान में करोड़ों रुपए हाजिर हो जाते हैं। सो यू आर द किंग, और करोड़ों की कीमत हाजिर होती है, करोड़ों रुपए हाजिर हो ये जरूरी नहीं है। कीमत भाई इंसान की भी होती है और कीमत भाई पैसों की भी होती है। 105 सब्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू यार। लेकिन 105 भाई आज तो 103 मैंने देखा था शायद, 2 सब्स किसने किए, 2 सब्स मुझे खुद नहीं पता, एक्चुअली कोई कर दिया होगा। मैं जब इंट्रेंस गेम में होता हूँ तो थोड़ा सा सब्स पर ध्यान नहीं दे पाता, सो सॉरी यार कोई अगर सब्स किया और चला गया, लेकिन 103 ही था। और यार कोशिश करना यार कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, ताकि एक यार अच्छा प्लेटफॉर्म मैं क्रिएट कर सकूँ यार। इंटेंस गेम बैटल मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, और मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ यार कि एक अच्छा गेम प्ले रहे और बोर ना हो आप लोग। और यार इतना जब मैं मेहनत करता ही हूँ तो थोड़ा सा लाइक तो बनता है, और थोड़े से बातें करते रहो मेरे साथ। तुम मेरे साथ नहीं नहीं आना चाहते हो, तुम मेरे साथ रहते हो मुझे डर नहीं लगता। ओ भाई मुझे डर नहीं लगता, रुक जाओ रुक जाओ, उसके बाद क्या हुआ, मैं पढ़ना है भाई, पढ़ूंगा मैं अभी, रुक जाओ मुझे इसे मारना है। कहाँ गया ये, मुझे डर नहीं लगता, WCC कंफर्म है, ये सोच कर खेलता हूँ। ओके बिना बिना चिकन डिनर कंफर्म है, यही सोच के खेलता हूँ। तो ओके ब्रो लेट्स दूसरी बार अगली बार से खेल लेंगे आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है, आपको बुरा मतलब अकेला फील नहीं होने देंगे, आप टेंशन नहीं लो भाई। ये क्या, भाई ये तो नहीं जाएगा ऐसे,
भाई कोई नहीं मरा, लिटरली मजाक कर रहे हो क्या? अबे यार ये तो पीछे पड़ गया फिर से, साला दिमाग खराब कर रहा है। कुछ जलने की मैं कर रही है गाइस, रुके रहना, कुछ जलने की मैं कर रही है, जल्दी आता हूँ, अभी आता हूँ। सो गाइस आई एम बैक यार, सॉरी यार, एक्चुअली दूध जल रहा था मुझे यार, मैं दूध रख के भूल गई थी और सॉरी यार, बस आपको थोड़ी देर के लिए वेट कराया, सॉरी। और चलो चलते हैं, हाँ चैट में काफ़ी चीज़ें आई होंगी तो मेरे साथ नहीं चल, कोई नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा फील नहीं किया करो, लिटरली मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप ऐसा फील नहीं किया करो, मैं आपके साथ ज़रूर खेलना खेलूँगा और खेलना भी चाहता हूँ यार अपने सब्स के साथ। अच्छा आप बताओ कौन नहीं खेलना चाहता है, बॉयज वर्सेस गर्ल, AKM वर्सेस, बॉयज वर्सेस गर्ल, गर्ल्स AKM वर्सेस M416 और भाई काफ़ी लंबा मैसेज भेजा आपने, कार वर्सेस M24 स्टार एंड सोलर सिस्टम वर्सेस पॉन स्टार। भाई ये क्या स्टार वर्सेस पॉन स्टार, सोलर सिस्टम वर्सेस पॉन स्टार, लोल। ओके ठीक है, स्टार एंड सोलर सिस्टम वर्सेस पॉन स्टार, भाई सोलर सिस्टम नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, सोलर सिस्टम सॉरी, और दिल्ली वर्सेस न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, स्किन वर्सेस डिफॉल्ट स्किन, स्किन वर्सेस डिफॉल्ट स्किन, स्किन भी इम्पॉर्टेंट है, सो स्किन स्किन क्योंकि स्किन यार हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट होती है, एक अलग वैल्यू रखती है। वाटर वर्सेस फायर, सो यार वाटर वर्सेस फायर, वाटर क्लासिक वर्सेस आर्केड, आर्केड सैनहॉक वर्सेस इरेंगल वर्सेस मिरामर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैनहॉक देन इरेंगल, पबजी पीसी वर्सेस मोबाइल, मोबाइल क्योंकि भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल यूजर्स हैं। तो गाइस आपको दिखाता हूँ मैं एक्चुअली खा क्या रहा हूँ, खाना चाहते हो?
ये है भुजिया, लुकिंग यमी ना, लिटरली देख रहे हो, काफी यमी लग रहा है, देखो पास से। सो गाइस यही खा रहा हूँ अभी, क्या कि अभी तक खाना नहीं खाया मैंने, तो यही खा रहा हूँ, यही खा के जिंदा हूँ। ठीक है गाइस, चलते हैं गेम देखते हैं। काफ़ी गोलियाँ चल चुकी हैं, काफ़ी पीछे आ चुके हैं, लेकिन यार कुछ गेम में मज़े तो देखना बनता है। आपने कभी कार 98 की 30 ऑल आउट ऑफ 30 पूरी एमओ खत्म की है? गांड में गोली मार रहे थे उसके, हम बच गया साला। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू पॉन स्टार विंस मेलडोल। अच्छा एक बात बताओ, तुम 13 साल के हो, पॉन स्टार के बारे में इतना क्यों इंटरेस्टेड रहते हो, क्या बात है, ऐसी ठहरा कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? लॉल बहुत इजीली। ओनली यू ई बेस्ट फ्रेंड इज वॉचिंग, ओनली योर बेस्ट फ्रेंड इज वॉचिंग। ओके ब्रो थैंक यू। आप तुम देख तो रहे हो यार, कोई बात नहीं, कोई नहीं है दुनिया में। मुझे सही बताओ, मुझे वो लोग ज़्यादा प्यारे हैं जो दिखावा नहीं करते हैं, जो लिटरली साथ में रहे यार। ओ फक, हेडशॉट ले लिया पीछे से, कोई नहीं। भाई मैं भी हूँ, मैं 3 कमेंट पढ़ो, वेट दो पहले लोकेशन आपने पहुंच जाते हैं। अबे मरा मैं ही, फक ले भाई मार ले कोई, मैं तब तक कमेंट पढ़ लेता हूँ। भाई यह क्या कहाँ रहा हूँ, दिल्ली में है क्या या मिल्टन? भाई आपको मैं जानता हूँ कि आपको हमारे साथ अच्छा लगा जान के।
यार ये पीछे से बहुत मार रहे हैं सब। यार एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मेरा लाइव काउंट का खराब हो गया, दो लोग वॉचिंग हो अगर तो सिंगल एक क्यों दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। भाई कमेंट पढ़ो होता है, कमेंट पढ़ो नहीं होता है, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, एक अच्छा कार 98 का ये वॉर मोड था, मज़ा आया। गाइस कोई आना चाहता है क्या? पादो हाँ गरीबों का गेम, भाई आपका कमेंट पढ़ा था मैंने, वैसे आपको रिप्लाई दे रहा हूँ लेकिन एक्चुअली शायद आप सुन नहीं रहे हो, अब ध्यान से सुनो। तो मैंने आपसे बोला कि आपने लास्ट कमेंट जो दिया था भाई, ये क्या क्या कहा रहा हो, दिल्ली में है क्या, या ये एक्चुअली थोड़ा सा कन्फ्यूज है, समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हो। थैंक यू प्रज्वल प्रकाश भाई, और बने रहो यार हमारे साथ, थोड़ा सा बने रहोगे तो अच्छा लगता है। मैं आया, वेट करो, ओके आ जाओ, मैं एग्जिट कर दूँगा, आर्केड ही तो है, एग्जिट कर सकता हूँ। तो गाइस अनुभव आ रहे हैं इसीलिए मैं एग्जिट कर रहा हूँ गेम को, और लेट्स वेट अनुभव को यार ले लेते हैं साथ में। किसी भी सब को यार छोड़ना अच्छे अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं भी आया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आई एम वेटिंग, जल्दी आ जाओ। सही बताऊँ तो टोटली मैं थक चुका हूँ, मैं टोटली थक चुका हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि आज अपने सारे सबके साथ खेलूँ। अरे रुक जाओ प्रज्वल भाई, वो अनुभव को भी ले लेते हैं यार, आ रहे हैं अनुभव भाई, आ रहे हो आप, आर यू देयर, अनुभव आ गया, ले लेते हैं उसे भी प्रज्वल भाई, तो रुक जाओ एक मिनट। फैन हॉक लगा दो, कोई नहीं। तो गाइस एक चीज मैं भूल गया, मुझे वो फिक्स करना है। तो भाई बग्गी बग्गी ने हमें मारा है यार, बग्गी बग्गी भाई थोड़ा सा इंतजार कर लेते तो हम जाते, पॉइंट फर्स्ट एड की इतनी देर बाद देखिए, मुझे ऐसा लगता है। एक कुछ भी अपने अब एक जुड़े से हेलो भाई, डिस्कॉर्ड पे आ जाओ सभी।
अगर बात करनी है तो डिस्कॉर्ड पे ही बात हो पाएगी गाइस, अनफॉर्चुनेटली मैं इन गेम बात नहीं कर पाता। गाइस आई मीन डिस्कॉर्ड, अगर आ सकते हो तो यार यहाँ पे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिस्कॉर्ड से ही बात कर पाता हूँ। गाइस इन गेम मैं बोलूँगा तो वॉइस जाती नहीं है, देख सकते हो इन गेम मेरी माइक ऑन है। तो इन गेम माइक ऑन होने के बाद भी माइक से आवाज़ नहीं जाती मेरी, सो आपको डिस्कॉर्ड में आना होगा, मेरे डिस्कॉर्ड लिंक पे मैं वेटिंग रूम में ज्वाइंट हूँ और वहाँ पे आप आ जाओ, वहाँ पे बात होगी। भाई भाई अनुभव भाई रेडी करो यार, अनुभव भाई जल्दी से रेडी कर दो वरना अनफॉर्चुनेटली शायद हमें छोड़ के जाना पड़े। और जहाँ तक मुझे याद है आप ही का है जो कि एक वीडियो पे मेरा डिसलाइक है। यस ब्रो आई फाउंड इट, आप ही का एक वीडियो पे मेरा डिसलाइक है, जिस दिन आप गाली दे रहे थे उसी दिन मैंने आपको कुछ बोला था और उसी दिन आपका एक वीडियो डिसलाइक्ड है। सो गाइज आर्केड लगा लो, ठीक है आर्केड ही चलते गाइज, सो रेडी फॉर इट, गेट रेडी फॉर दैट। और यार वंस रावत इसकल यहाँ पे काफ़ी लोग हैं बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट। अनुभव भाई सॉरी आप रेडी नहीं कर रहे हो, मैंने आपको बता दिया है कि ओके अनुभव इज ऑनलाइन, ओके सो गाइज बने रहिए हमारे साथ, अनुभव आ चुका है ऑनलाइन और हम गेम में जाने वाले हैं जल्दी। तो मेरा डिस्कॉर्ड आपको यार लिंक में मिल जाएगा मेरा डिस्कॉर्ड और वहां पे आपसे बात होगी, तो निकल जाओ भाई सॉरी। ओके क्विक मैच, सॉरी 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 अनुभव भाई को बुला लेते हैं, अनुभव भाई क्विक मैच खेलने की बात कर रहे थे, वॉर मोड नहीं। तो क्विक मैच के लिए तो यार भाई लोग वॉर मत लगाओ यार, वॉर में मजे नहीं आएंगे। कोई नहीं थैंक यू, चलो भाई तू तो कुछ बोल रहा नहीं, अगर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ली। ओके अनुभव भाई ने डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लिया लेकिन वेटिंग रूम में वो ज्वाइन करना नहीं जानते हैं, सो कोई नहीं उनको पता चल जाएगा धीरे धीरे। सो यार हाँ आज काफ़ी दिनों के बाद क्या पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि काफ़ी लंबे टाइम तक मैं फेस कैम ऑन करके रखा हुआ हूँ, और इस बार नो स्कोप चैलेंज है क्योंकि अगर मैं स्कोप यूज़ किया तो ये होगा, क्योंकि मैं ये ऐसे क्लॉ यूज़ करता हूँ, ये है मेरा मूवमेंट बटन, मूवमेंट फिंगर, ये है मेरा स्कोप फिंगर, और स्कोप यूज़ किया तो आपको दिखाई नहीं देगा मेरा फेस। अरे यार कहाँ जा रहे हैं? अबे नहीं 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 मुझे फॉलो कर जल्दी जल्दी जल्दी। मैं देख नहीं सकता कि वो कहाँ गए हैं। उनका तो गेम ही लैग हो रहा है। चलो अब ठीक है। ओके। टीम के साथ बने रहने में ज्यादा फायदा है। सर आई कैन सी यूजर के बीच नगर के बीच नगर के हट चलिए। अनुभव भाई थोड़े से हाइपर टाइप के मतलब बंदे हैं, वो अपने हाइपर सिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अरे शॉटगन वाला मैं। सो वी शुड थिंक दैट कि ओ शॉटगन ब्रो मजा आएगा, लिटरली मजा आने वाला है। ओ यार मुझे लगता है फेस कैम हटाना ही पड़ेगा किसी तरह, वरना तो कम्बल ओढ़ के मुझे सोने का प्लान था। ओके किन भाई अपने दोस्त चैनल यहाँ कर लेते हैं, सही है सही है। तो आ गए हम। तो गाइस यार हम आ चुके हैं इन गेम और देख सकते हैं कि शॉटगन का मैच है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यार आप लोगों को मजा आए, सभी को मजा आए, आप सभी एंजॉय करो। 1897 मुझे शॉटगन चाहिए या S12 के भाई। SMS पढ़ो, SMS क्या आया भाई, कभी कभी तो मनी भाई SMS पढ़ो।
कभी मन करता है कि भाई कोई ठंडी सी जगह जाओ, मजे से वहां पबजी खेलो। तो सर शिमला चला जाओ पबजी खेलने के लिए, ओके कम से कम पसीने तो नहीं आएंगे। ये नेटवर्क को कुछ समझाओ, हमेशा बोलता रहता है पेटीएम प्राइस भाई। ये एक्चुअली सही रोल है क्योंकि मैं अभी भी संडे और सैटरडे को मैं स्पॉन्सर्ड पेटीएम प्राइस मनी मैं कंडक्ट करने वाला हूँ, तो वो पागल नहीं हुआ एक्चुअली। अभी भी पेटीएम ठीक ठाक ही बातें बोल रहा है, पता मेरे को जल्दी। इस संडे को भी मैं स्पॉन्सर करने वाला हूँ, पता है तो बोल नहीं सकता। ये मुझसे क्या पूछ रहा है मुझे पता नहीं, जल्दी लिख के बता क्या पूछ क्या रहा है भाई। मैं एक्चुअली अपने सब से बात कर रहा था तो मैं सुन नहीं पाया कि ये बोल क्या रहा था। उन्होंने बोला भाई तुम कितनी देर तक लाइव स्ट्रीम करोगे। ओके मैं कितनी देर तक लाइव स्ट्रीम करूंगा, जब तक भाई जब तक मन किया तब तक लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं मैं, मूड के ऊपर डिपेंड करता है यार। जब ही हालत खराब हो जाएगी पूरी तरह, हालत पंचर हो जाएगी तभी बंद कर दूंगा। आराम से यार, तुमने ही तो बोला था वो पागल है। कौन भाई? ओ हाँ मैं नेटवर्क पागल है, सही बात, पागल है भाई वो, पागल है थोड़ा, खिसकेला है, खिसक जाती है उसकी रह रह। एक्चुअली मैं उसके लिए नहीं बोलता हूँ, अभी एक मैसेज आएगा, कमांड का थोड़ा सा इशू है उसको, डॉट मतलब कि एक्सक्लेमेशन एलियस का कुछ इशू है। हेलो विवेक भाई, हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम। और कितने बजे तक यार लिख के बताना पड़ेगा इसको, ये पूछ पूछ के परेशान करेगा। एक्चुअली क्या है कि मैं स्ट्रीम यार मोड के अकॉर्डिंग करता हूँ, मैं स्ट्रीम टाइम के अकॉर्डिंग करता हूँ, मेरा बॉडी जब तक मेरा साथ दे सके मैक्सिमम। अरे आपको कुछ पूछ रहा है मेरे उस्ताद, तेरा स्ट्रीम लैग ठीक हो गया? हाँ यार वो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब भाई बॉम्ब नहीं, अरे मजाक बना रखा है क्या तुम लोगों ने भाई? भाव 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 लगे पड़े हैं कुछ। यार समझ नहीं आ रहा ये फेस कैम को डालू किधर। अरे आप अपनी टीम का बंदा डाउन हो गया, लेट्स सी अभी गेम को देखने का टाइम है। नंबर 4 कहाँ है गेट टू द सेफ जोन, भाई वो हद से ज्यादा दूर है, उसको तो नहीं बचा सकते हम, नहीं सेफ जोन तो जाना भाई बनता है। 94 मीटर है भाई, पहुंचते पहुंचते भी लेट हो जाएगा हमें। नो टीममेट, अबे है कहां? रुक जा भाई, हेल्थ भर ले वरना हम खुद हेल्प करने के काबिल नहीं रहे। लोल भाई तू अभी नॉक है, सेफ है, ज्यादा मूव नहीं कर, वहीं पे पड़ा रहे, वरना जितना मूव करेगा उतनी जल्दी सब मारेंगे तुझे। पड़ा रहे वहां पे, हम बचा लेंगे तुझे। वो मार ही दिया सालों ने। भाई फेस कैम बंद करना पड़ेगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मुझे, गेम डिस्ट्रैक्शन दे रहा है। बचाया नहीं, सॉरी यार। देख के बात से Thank you.
चल अच्छा ठीक हो गया। नहीं मैं सोचा स्ट्रीम कैसे देखूंगा। भाई आप अगर स्ट्रीम देखना ही चाहते हो यार तो बने रहो हमारे साथ, स्ट्रीम हम दिखाएंगे आपको, कैसे भी करके दिखाएंगे यार, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, पूरी तैयारी है अपनी, आप टेंशन नहीं लो। मैं बिल्कुल नहीं है। इस बार तो बिना स्कोर करने के ओ भाग 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 भाग, 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 भाग क्या कर रहा है, मरेगा भाई, बेवकूफ टीममेट्स हैं ये सब। हाँ इस बार तो बिना स्कोर करने के बारे में सोचा नहीं, मैं तो भी एस में आ गया। होता है भाई, एक्चुअली क्या होता है, काउंटर बेटर फोन लेने पे करना है। ओके एक्चुअली आपको एक चीज़ बता दूँ सर जी, एक्चुअली आपको एक चीज़ बता दूँ, इस बार क्या है ना कि एस मतलब कि यार क्राउन तक तो सभी आ गया, एस पर वही पहुँचा है जो प्रोटेक्टिव खेल रहा है, जो डिफेंसिव खेल रहा है। अग्रेसिव वालों के साथ क्या पंगा होता है, जैसे मैं हूँ अग्रेसिव, तो हमारे साथ क्या पंगा है कि ब्रो हम अग्रेसिव खेलते हैं, एग्रेसिव खेलने के चक्कर में कई बार मारे जाते हैं, कई बार मारे जाते हैं, और स्टार्टिंग में गेम के मतलब स्ट्रीम के स्टार्टिंग में, ये गेम के स्टार्टिंग में ही हम एग्रेसिव खेलना स्टार्ट करते हैं, तो हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे पास गन होती नहीं है, फिर भी हम एग्रेसिव खेल जाते हैं। सामने चार बंदे दिखे, स्क्वाड है, मारने में घुस गए। देखो एक सेकेंड, थैंक यू। तो वही बात है, सामने बंदे दिखे मारने के लिए घुस गए, एक के बाद एक हम मारे जाते हैं, मारे जाते हैं, मारे जाते हैं, और लास्ट में एक बार ऐसा आता है कि तीन बंदों को नॉक कर दिया लेकिन एक बंदा बच गया, वो हमें मारता है। तो ऐसे ही है, हम मारे जाते हैं। और गाइस चलो नहीं अग्रेसिव खेले हैं, आप भी अग्रेसिव प्लेयर हो, अच्छा लगा यार जान के, फिर तब तो अच्छा है आप इसमें पहुंच गए। मैं तो क्राउन वन में हूँ, कई बार पीछे आता रहता हूँ, क्राउन वन के आगे पहुंचने का मैं लगता है मेरा किस्मत इस बार नहीं है, मैं नेक्स्ट में क्राउन में भी पहुंचाऊंगा और नेक्स्ट में कॉन्करर भी कंप्लीट करूंगा, आई प्रॉमिस यू गाइस। नेक्स्ट में जॉर्जियो में और मिलिट्री, सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हो क्या आप?
अबे इसको मैं निकाल दूंगा अनुभव, ज्वाइन करवाना, मैं निकाल दूंगा, सही बता रहा हूँ अभी। राजा भाई खुश हो रहा है। ट्रक से अपने अपने क्या करें भाई, बंदों को मनवाना पड़ता है, कई बार बंदे मानते नहीं हैं। और ये तो अभी 13 साल का बच्चा ही है भाई, बच्चा नहीं है, मतलब है, प्लेयर है, लेकिन टीममेट बोले कहाँ चलोगे, किससे खेलना है चाहते हो, तो मैं बोला चलो चलना है जहाँ। सही है भाई, सही है, हमारा ही होता है एग्रेसिव प्लेयर का, कहीं भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस कभी कभी मतलब कि थक गए रहते हैं तभी प्रोटेक्टिव खेलने का मन करता है, नहीं तो अग्रेसिव तो यार ऑल टाइम हम अग्रेसिव रेडी हैं, कोई भी आजमा ले। ये बच्चा है तो ये मेरे ख्याल से लेके जाएगा, स्कूल ही लेके जाएगा, ऐसा से नो। मिलिट्री और जॉर्जिया में ले जाते थे कभी कभी, कोचिंग की ले गए लो, ऑल वेपन्स है गाइस, बहुत खतरनाक मैच होने वाला है ये, कि और वेपन्स कभी भी सिंपली मैंने नहीं देखा है भाई, बहुत इंटेंस होता है और वेपन मैच। आज तो शहीदी भी किया ऑफलाइन फ्रेंड के लिए, शहीदी क्या मैं सही बोल रहा हूँ, शहीदी आपने लिखा, शहीदी तो शायद कोई वो होता है ना, मीन्स कुछ ये मुस्लिम्स कुछ होता है शहीदी जिसे बोलते हैं, इज दैट व्हाट व्हाट यू वांट टू से। नहीं मुझे उससे कोई इशू नहीं है, अगर आप वही बोलना चाहते हो तो मुझे कोई उससे इशू नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि क्या आप वही कहना चाह रहे हो या मैं गलत समझ रहा हूँ। भाई बंदे तो है नहीं यहाँ पे, क्या करना है, सेव करने के लिए फ्रेंड फ्रेंड को। अच्छा मतलब आपने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया अपने ऑफलाइन फ्रेंड को बचाने के लिए, इनके पास कुछ होगा तो नहीं, ऑब्वियसली बात है, मैं जहाँ तक जानता हूँ। हाँ समझ गया था भाई, फीलिंग्स समझ में आती है, जुबान ना समझ में आए लेकिन फीलिंग्स भाई एक ऐसी चीज़ होती है ना ऑफलाइन फ्रेंड्स के लिए, जो फीलिंग आती है वो मुझे जानता हूँ। तो फीलिंग्स आर बिगर देन द वर्ड्स, और जैसा कि हम देख सकते हैं गाइस आधी भीड़ ऐसे ही छट चुकी है। और आधी भीड़ जल्दी छट जाएगी,
ओ भाई क्या हो गया, क्या चल रहा है ये? दोनों में अचीवमेंट प्राप्त, मुझे प्रोटेक्ट कर ले यार, बाकी सब चीज़ तो ऐसे ही हो जाएगा, कवर हो जाएंगी। आजकल कुछ फ्रेंड एमुलेटर पे हमारे साथ खेल रहे हैं। ओके ब्रो कोई दिक्कत नहीं है, एमुलेटर खेलो या फिर वो खेलो, लेकिन यार मतलब कि यार वो है, कल मिलते हैं। ओके ब्रो कल मिलते हैं, बाय। और रुक जा अबे नंबर टू। भाई हेल्प बढ़ते हैं पहले। अबे भाग, वो रॉयल पास देना कालिया। ओके ब्रो लेट मी कंसीडर इट। ओके यार जब भी मैं अपने मतलब यार गिव अवे करूँगा तो रॉयल पास का गिव अवे जरूर करूँगा। ओ फक, हेडशॉट लग गया यार उसका, एक गोली गलती से हेडशॉट लग गया मुझे। सो गाइस यार ये भी एक अच्छा गेम प्ले था यार, 7 किल्स हैं और यार काफ़ी अच्छा। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को मतलब इम्प्रूव करने की, और एक अच्छे अग्रेसिव गेम प्ले के साथ मैं दिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें। और चैट गरीबों वाली होगी है, वाली हो गई है तो विवेक। अबे यार क्या फिर से तुम लोग का शुरू हो गया, मैं मॉड किसे बनाऊंगा ऐसे? ऐसे तो मैं किसी को मॉड नहीं बना सकता। और अनुभव तुम्हें तो कतई नहीं भाई, तुम बार बार गाली दे रहे हो, सॉरी अब तुम्हें मॉड डालने के लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता अनफॉर्चुनेटली। एक बार किसी इंसान से गलती होती है, दूसरी बात उसकी आदत होती है। दूसरी बात तो मगर 13 साल के होके खुद को नहीं सुधार सकते तो फिर क्या करोगे? तभी तो सुधारना होगा। यार काफ़ी देर हो गया, और यार 2 बजने वाले हैं, 2:15 हो गए। चलो 2 बजे स्ट्रीमिंग कंप्लीट ख़त्म करेंगे, इसमें अभी एक और चलते हैं। आई थिंक ही वॉन्ट योर मोर अटेंशन। भाई अब कितना अटेंशन दूँ, पूरा अटेंशन तो दे दिया उसको मैं, अब क्या जान लेगा मेरी भाई लोल भाई, अब कितना अटेंशन दे सकता हूँ मैं, सॉरी नो मोर अटेंशन। बस साथ में बने रहो सभी लोग यार, बस मेरे साथ बने रहो और गेम को एंजॉय करते रहो। ओके कौन क्या कौन कौन है? उवेश स्नेक प्रीत और प्रज्वल। प्रज्वल डिस्कनेक्ट हो गया। ओ दिस इज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि 9% 10% पे आगे बैटरी और डिस्चार्ज हो गया एक्चुअली। यार अब तो यार बंद करना पड़ेगा, सॉरी यार।
कैमरा लाएगा तेरा, कैमरा लाएगा तेरा मतलब? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हो विवेक सिंह, आपकी बातें समझ नहीं आई। अगर एक्चुअली पबजी मोबाइल का ये प्रॉब्लम है कि जब हम नोइज विथ गेम्स, हाय हेलो ब्रो वेलकम टू स्ट्रीम, यार काफ़ी लेट कर दिया, अब तो स्ट्रीम बंद होने का टाइम हो रहा है, आप लोगों ने काफ़ी लेट कर दिया आने के में। और एक्चुअली स्ट्रीम बंद करेंगे लेकिन थोड़ी सी बातें करने के बाद आप लोगों के साथ थोड़ी बातें कर लेते हैं। प्रज्वल भाई सॉरी यार, मेरा गेम एक्चुअली लैग करने वाला है, बहुत गंदा लैग करने वाला है, तो गेम को बंद करेंगे बट आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। वेबकैम यार, वेबकैम क्या, वेबकैम में क्या, वेबकैम किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो आप? और मैं जैसा कि पढ़ पा रहा हूँ, वेबकैम यार नवे बेस्ट है, कैमरा लाएगा, कैमरा लेगा तेरा, लह गया या फिर लाएगा तेरा, ये क्या आप बोल रहे हो समझ नहीं आया। ओके आया से, गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। अरे वो मैं भी कर रहा था क्या, स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग कर रहे थे आप नवी बीस प्रो? कोई नहीं यार, आप स्ट्रीम कर रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस यार कम से कम अपने सब्सक्राइबर हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बट तो आ जाया करो यार, आपकी जो हाजिरी है अच्छी लगती है आप लोगों की, कुछ लोगों की हाजिरी, जैसे नवी बीस्ट हैं और द नीट ट्रिक्स हैं और अयान शेख हुआ, इस रियान हुआ, और साथ ही साथ बियर्डेड निगा इज इनवाइटिंग मी, ओके रिक्वेस्टिंग टू ज्वाइन द टीम। मिल्टू भाई, तो भाई गौरव का एकदम तो प्ले बहुत खतरनाक है, एंड भैया मेरे को ऐड कर लीजिएगा, मैं भूल गया ऐड करना। नहीं आपको ऐड तो किया है, किसमें, गेम में? मैं अब एक्चुअली अभी गेम तो खेल नहीं सकते क्योंकि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो बियर्डेड निगा को हटाना पड़ेगा। ओके लाएगा बॉन्ड, कैमरा कैमरा लाएगा तेरा। कौन कैमरा लाएगा भाई मेरे लिए, कैमरा अगर कोई लाने वाला है तो यार थैंक यू वेरी मच यार कैमरा, लेकिन एक्चुअली क्या है, जब तक मेरे पास मे बी आई थिंक आई कैन यूज़ द कैमरा, मेरे पास ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस की हेल्प से मैं वेबकम चला सकता हूँ। सही है, आप लेते हो अगर किसी के पास है तो, कोई यार मुझे कुरियर कर दो, अगर फोकट की चीज़ें हैं तो जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मैं यार उसको एक इफेक्टिव तरीके में, इफेक्टिव वे में यूज कर सकता हूँ। तो अरे वो मैं अभी कर रहा था और स्विमिंग अभी बंद किया है। ओके ब्रो, और प्रज्वल यू कैन किक मी, आई क्लोज द गेम। कोई नहीं भाई, आप एक्चुअली मैं भी गेम बंद ही करने वाला हूँ क्योंकि यार मेरा बैटरी देख सकते हो आप यहाँ पे 10% के नीचे आ गई, 10% आ गई बैटरी, और स्ट्रीम मतलब गेम काफ़ी लैग करने वाला है, तो स्ट्रीम बंद करना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई अभी। और ठीक है भाई, ठीक है भाई, हाँ सब कुछ तो ठीक है अपने बारे में, बस यही है कि अभी थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है, मतलब पीठ में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है अभी। सो कैन यू से दिस गो हार्ड? एक्चुअली मैं रियल लाइफ में फिजिकली गो हार्ड नहीं हूँ, मैं मेंटली और इन गेम और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को हेल्प करने में गो हार्ड हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को काफ़ी हेल्प करता रहता हूँ। तो गाइस बाय, गुड नाइट यार, जो भी जाना चाहता है यार बाय, सॉरी यार आप लोगों को यार, अभी कंटिन्यू कर सकता था, मैं सोचा था कंटिन्यू करूँगा लेकिन यार सॉरी मैं कंटिन्यू कर नहीं पा रहा हूँ, तो यार चलो अच्छा चलते हैं फिर, गुड नाइट बाय, सी यू टुमारो गाइस। और यार कल जरूर स्ट्रीम पे आ जाना यार, अभी अभी जो लाइव स्ट्रीमिंग लाइव वॉचिंग है, कसम से ये लाइव वॉचिंग मैं पूरे स्ट्रीम में तरस गया था देखने के लिए, क्योंकि इसके पहले मैंने 2 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग की थी जिसमें लैग होने लगा था बीच में, तो वो स्ट्रीमिंग बंद करके फिर से स्टार्ट किया, तो अप्रॉक्स मैं आज 4 आवर 37 मिनट से स्ट्रीम कर चुका हूँ। पिछले स्ट्रीम में मेरे वॉचिंग ज़्यादा नहीं थे, मतलब काउंट्स बिल्कुल नहीं थे, व्यूइंग काउंट्स, तो मुझे थोड़ा सा यार तकलीफ हुई थी यार, बहुत मेहनत करता हूँ ना, दिन भर मेहनत करने के बाद यार एक टाइम निकालता हूँ, पर्टिकुलर टाइम निकाल के फिर आता हूँ, थोड़ी सी मेरे लिए प्रॉब्लम होती है, मैं इसीलिए कभी देखो मैं टाइम देता हूँ 9:30 बजे का, लेकिन मैं 9:30 बजे कभी आ नहीं पाता, कभी कभी 10 आता हूँ, कभी 10:30 आता हूँ, कभी 9:30 बजे ही आ जाता हूँ। चेयर अच्छा लाए 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 भाई, चेयर मेरा कुछ नहीं है, ये देख लो ये एक्चुअली ये चेयर ले आ गया था हमारे स्टडी स्टडी के लिए, ठीक है,
तो यही चेयर हमारे पास है, देख सकते हो ये है हमारा चेयर। अबे यार सॉरी गाइस, वो एक्चुअली कैमरा लॉक हो गया था, सॉरी कर रहा हूँ कैमरा, मोबाइल लॉक हो गया था गलती से। वो यार मोबाइल एक हाथ से पकड़ने में कई बार मोबाइल लॉक हो जाते हैं, कई बार आप लोगों को भी फील हुआ होगा। ये है हमारा चेयर, तो ये स्टडी चेयर है, तो इसी के बलबूते चल रहे हैं। गुड नाइट भाई, ठीक है गुड नाइट तन्मय हजारी का भाई, आप तो यार ये दूसरी बार हमारे स्ट्रीम पे आए हो। तन्मय भाई आप तो पहले भी आते थे, रोज आते थे, लेकिन आप ये दूसरी बार आए सिर्फ, और सॉरी कह रहा हूँ रोज आते थे, आपकी मतलब सब्सक्रिप्शन के बाद दूसरी ये यहाँ पे हुआ है। वॉचिंग आएगी, टाइम आएगा आपका भी। हाँ भाई टाइम तो आएगा, लेकिन यार टाइम आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है लिटरली। एक्चुअली मैं जिससे कि हार्ड वर्क करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार कि 1 महीने हो गए हार्ड वर्क, इतने हार्ड वर्क का अगर सिर्फ 100 सब्स होंगे यार, और साथ ही साथ वॉचिंग भी काफ़ी कम फील होती है ना, मैं सोचता हूँ कि यार बेटर भी कि अगर मैं मेहनत करूँ, जिस हिसाब से मेहनत करूँ ये वॉच मेहनत मैं कंटिन्यू रखूँगा। फैमिली सपोर्ट नहीं करती कोई बात नहीं, लेकिन मैं कंटिन्यू रखूँगा। बट अगर यार सपोर्ट मिले और साल भर में अगर ये टारगेट कंप्लीट हो जाए मोनेटाइजेशन का, तो साल भर में अगर कंप्लीट हो जाए तो अच्छा लगेगा यार लिटरली। साल भर के अंदर अगर ये, यार एक्चुअली लड़की तो नहीं है हम, अब लड़की होते तो भाई हम जरूर करते भाई। गेमिंग चेयर, भाई गेमिंग चेयर खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं भाई, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है भाई। फन फैक्ट इज हैशटैग भाई, आप लोगों को मैंने हैशटैग काफ़ी बीच में बोला था, लेकिन एक्चुअली आप लोग थे नहीं उस टाइम पे मेरे ख्याल से, प्रज्वल भाई और विवेक भाई आप लोग हैशटैग पे थे नहीं। और सर मैं हैशटैग मैंने कहा था अग्रेशन का, बर्जरकर का, गन स्लिंगर और फिर रिप का था, कई बार हैशटैग मैंने बोला लेकिन आप लोग थे नहीं, तो यू मिस इट। कोई नहीं, फन फैक्ट हैशटैग इज मेरी तरफ से अगर अभी इस समय तो फन फैक्ट में हैशटैग बकचोदी अभी के लिए, क्योंकि अभी तो वही हो रही है, थोड़ा बिजी था मैं। आई ऑलवेज सपोर्ट यू ब्रो, थैंक यू यार तन्मय भाई आप सपोर्ट करते हो तो थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से आई थिंक मेरी स्ट्रीम पे आप सभी मैक्सिमम लोग बियर्डेड निगाह के बाद आए हो, बियर्डेड निगाह को आप देख के आते हो, मुझे पता है बियर्डेड निगाह यार काफ़ी हाई लेवल के, हमसे काफ़ी हाई लेवल के वो स्ट्रीमर है, उनके पास हर चीज़ परफेक्ट है, स्ट्रीमिंग क्या कहते हैं गेमिंग पीसी, हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियोस और हाई क्वालिटी बैकग्राउंड्स और हाई क्वालिटी एनवायरनमेंट्स। भाई वो यार क्या है ना कि वो एक्चुअली जॉब करने वाले बंदे हैं, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ अच्छा लगता है कि यार काश मैं भी ऐसा होता। तो गाइस आप लोग अगर सपोर्ट सपोर्ट करोगे तो मैं वो काश नहीं वो मैं बन जाऊंगा, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो। और उसके लिए आपको मुझे देखना होगा, मेरे साथ बकचोदी मारते रहनी होगी, और प्रज्वल प्रकाश भाई सही में आपकी हैशटैग बकचोदी काम करेगी, और बकचोदी हर दिन करेंगे। आप हमसे कांटेक्ट कम्युनिकेट करेंगे तो कम्युनिकेट मैं भी करता हूँ, कुछ नहीं जल्दी होगा 1000 आई थिंक सो, क्योंकि अगर जैसे रेड पड़ी थी लास्ट टाइम, तो रेड में लोगों के काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन आते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि रेड जब मैक्सिमम लोग मारते हैं तो सब नहीं मारते, क्यों? क्योंकि उनको कई बार लगता है कि यार रेड तो मार दिया ठीक है, खुश किया बंदे को, व्यूज देती है, लेकिन क्या होता है कि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और मेरे में क्या था कि मेरे पे रेड पड़ी थी, भाई की स्ट्रीम पे मैं वापस गया, उसके उस भाई के स्ट्रीम पे करीब पे उस समय 25 वॉचिंग थी, और जब रेड मेरे पे पड़ी थी तो मुझे 22 सब्स ऑन द स्पॉट बैक टू बैक मिले थे, 22 सब्स। तो ओनली 3 सब्स थे जो कि नहीं मुझे सब्सक्राइब किए थे, तो ये मुझे अच्छा लगता है यार कि काफ़ी लोग हैं जो कि मेरे गेम प्ले को वो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और यार गेम प्ले के लिए ही मैं खेलता हूँ। देखो मुझे सही बताऊँ तो मैं देखो बकचोदी मारने में उतना बेटर नहीं हूँ, और ना तो ऐसा कुछ करने में, मैं कम्युनिकेट करने में अच्छा हूँ। आप मुझसे किसी चीज़ के बारे में बात करो मैं ज़रूर करूँगा, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, मैं कुछ ना कुछ हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखता हूँ, और वो नॉलेज रखता हूँ जो काम की हो। सो गाइस सॉरी अभी यार बाय कहने का वक्त है, क्या करें क्या किया जाए, क्या आप लोगों को भी तकलीफ़ होती है कभी, मतलब दुख होता है कहीं, कभी स्ट्रीम ख़त्म हो रही हो कोई यार बाय कहना हो? मुझे तो होता है भाई, आप लोगों से दूर जाने का मन नहीं करता यार, लिटरली मन करता है कि आप लोगों के साथ बैठ के बातें करते रहें, पूरी रात बीत जाए लेकिन ख़त्म ना हो जाए। गेम प्ले बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच भाई। तो
अगली बार कॉन्करर अगली सीजन में कॉन्करर जरूर पाएंगे। एक्चुअली इस सीजन में मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि भाई 8th में आने के बाद भी लड़ाई करनी होती है कॉन्करर में आने के लिए, तो टॉप 500 में आना पड़ता है कॉन्करर के लिए, तो इस साल मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अभी देख सकते हैं कि हमारी सीजन रैंकिंग जो है क्राउन वन में, मतलब तो कि अप डाउन होते रहते हैं, कटते रहते हैं यार, ऐसे ही देख रहे हो, मरता रहता हूँ मैं, तो क्राउन वन में इतने ही है। सो अगली बार क्या होगा कि अगली बार मैं स्टार्टिंग से ही उसे ध्यान दूंगा और मैं तेज़ी से बढ़ूंगा। मैं डिफेंसिव खेल सकता हूँ लेकिन डिफेंसिव जल्दी खेलता नहीं, लेकिन क्या करूँ अभी, अब क्राउन अगली बार कॉन्कर मुझे करना है तो डिफेंसिव थोड़ा खेलूंगा, मैं मिक्स खेलूंगा। 1000 मोर व्यूइंग वाले क्या, एक सेकेंड मुझे पढ़ना होगा पूरा मैसेज। कोई नहीं, बड़े वाले स्ट्रीमर रेड भी मारेंगे 1000 व्यूइंग वाले। भाई 1000 व्यूइंग वाले जल्दी रेड कहीं नहीं मारते, ये मैंने देखा है, वो अपनी कमाने में बिजी रहते हैं, तो ये चीज़ मेरे में नहीं रहेगी यार, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। आपके पास, आप वहाँ तक इसलिए पहुँचे हो क्योंकि बाकी जो स्ट्रीमर्स थे उन्होंने आपको सपोर्ट किया। अब हमारे अंदर क्या होता है, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी सभ्यता क्या छोड़ो, हमारे हमारे जो एग्जिस्टेंस की रीज़न है वो ये है कि जो हम पाते हैं अपने पीछे से वो हम पास ऑन करें आगे की तरफ। ठीक है, आप अगर रेड पाए थे जिसकी वजह से आप बढ़े हो तेजी से आगे, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप रेड करो। और भाई ये चीज़ मैं नहीं छोड़ सकता, अगर मैं लिटरली बता रहा हूँ, जिस दिन मैं 500 सब्स कंप्लीट कर लिया, 200 या 300 भी कंप्लीट कर लिया और मेरे व्यूइंग कॉन्स्टेंटली 15 होने लगी, 15 व्यूज होने लगे, तो मैं रेड मारना स्टार्ट कर दूंगा गाइस, लिटरली। क्यों? क्योंकि भाई मैं क्या ना, मैं 300 तक तभी पहुंचूंगा भाई जब तक मेरे बंदे रेड ना मारे मुझे, या फिर और सपोर्ट ना करें, तब तक मैं तो पहुंच ही नहीं सकता। भाई मुझे भी होता है भाई, होता है भाई, आया शक्ति भी मन करता है कि भाई बात करते रहे, हाँ होता रहता है, मारते हैं बट बहुत कम। प्रज्वल भाई मैंने तो कभी नहीं देखा यार, सॉरी। हाँ होता है कई बार, कुछ लोग हो सकते हैं, होंगे यार, हर कोई एक जैसा नहीं होता, एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, तो होता है। डोंट प्ले एमुलेटर ब्रो, मोबाइल पे ही खेलना, बहुत अच्छा खेलते हो जो तुम, कैरी ऑन भाई। एक्चुअली मैं बता दूँ, पीसी भी आ जाएगा फिर भी मैं मोबाइल में ही खेलूंगा, मोबाइल पीसी सिर्फ यूज करूंगा ताकि मैं इन गेम बात कर सकूँ, इन गेम तरीके उसके हैं। पीसी के बाद मैं उसे रूट करके, उसकी मोबाइल को रूट करके काफ़ी तरीके से मैं, भाई मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं टेक में एक्सपर्ट हूँ, मैं कर लूँगा, लेकिन मैं मोबाइल से ही खेलने वाला हूँ, मैं पीसी पे गाइस मूव आउट नहीं करने वाला। क्योंकि यार पीसी क्या होता है ना, थोड़ा सा फील होता है कि यार चीटिंग है, क्योंकि गेम प्ले गेम को बनाया गया था पबजी मोबाइल को टोटली मोबाइल प्लेयर्स के लिए। अगर आप पीसी में खेलना चाहते हो तो आप पबजी पीसी खेलो ना गाइस, मुझे बुरा इस बात का नहीं लगता कि आपके पास टैलेंट और पबजी पीसी नहीं खेल रहे हो। एक्चुअली कई लोग इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनके पास पबजी मतलब पीसी उतने हाई लेवल के नहीं है। विवेक सिंह, पहले थोड़ा और बेटर करना है स्ट्रीम अपना। भाई स्ट्रीम मैं करना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरे डेटा सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो ज़्यादा हाई स्पीड की नेट मुझे नहीं दे पाते हैं। मैं तो 720 पिक्सल से स्ट्रीम करना चाहता हूँ, 180 पिक्सल से स्ट्रीम करना चाहता हूँ। मैं तो भाई डेटा खरीदने के लिए राजी हूँ लेकिन यार जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो स्पीड नहीं देते हैं, क्या करूँ मैं कर नहीं पाता। तब होगा, ज़रूर हो जाएगा भाई, हो जाएगा, बस देखते रहो। मेरे यहाँ हो सकता है किसी दिन वाईफाई लगने वाला है क्योंकि पापा दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाले हैं, तो वो वहाँ पे वाईफाई लगने वाला है, तो देखते हैं कभी पापा का मूड बनता है, मूड उन्हीं का है, उनके मूड का मैं एक एक्स्ट्रा फ़ायदा उठाने वाला हूँ, लिटरली मैं एक एक्स्ट्रा फ़ायदा उठाने वाला हूँ उनके मूड का, क्योंकि वो लगवाएंगे वाईफाई एक्चुअली सीसीटीवी फुटेज के लिए और मैं उसका एडवांटेज लूँगा अपनी गेम प्ले के लिए। यस डरावने गेम रेड करते हैं बट 2-3 मंथ पहले। भाई रावने भाई तो यार 2-3 महीने पहले काफ़ी मतलब यार थे, वो भी थे लेकिन उतने भी बेस्ट पे नहीं थे वो उस समय, वो भी ग्रोइंग थे, वो समझते थे कि फेज़ क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना होता है। एक्चुअली रेड में सिर्फ एक का फ़ायदा नहीं होता है, रेड में दोनों का फ़ायदा होता है भाई। रेड मारने में क्या होता है ना, जैसे मैंने किसी बंदे को रेड मारी, ठीक है, वो बंदा खुश हुआ, ठीक है, उसके जो व्यूअर्स हैं वो भी खुश होंगे कि भाई हमारा स्ट्रीमर जो है, जो हमारे हमारे लिए खेलता है, वो खुश हुआ तो कम से कम उसको देखें जो इसने उसको रेड मारी है, जिसने उसको देखें, क्योंकि उसके सब्स काउंट भी ज़्यादा होंगे। जैसा मैं भी फील किया था यार,
सब काउंट भी ज़्यादा होंगे, उसके गेम प्ले भी ज़्यादा होंगे, तभी उसके पास इतने लोग होंगे ताकि वो रेड मारे। तो गाइस दोनों का ही फायदा होता है, दोनों साइड। करीब करीब अगर छोटे मोटे रेडर्स हैं तो 10 15 20 सब इधर उधर दोनों तरफ पड़ते हैं। पहले थोड़ा और बेटर करना होगा स्ट्रीम में। ठीक है, आपकी बातें हो गई, आपकी भी बातें हो गई। नाइट गॉड पागल है। यस ब्रो, आई अनसब्सक्राइब ऑल एम्यूलेटर प्लेयर्स लोल। कोई नहीं तन्मय भाई, ऐसा नहीं करते। एक्चुअली कुछ लोगों की मजबूरी है, जैसे कुछ लोगों के पास क्या है ना कि पीसी की क्वालिटीज हाई नहीं है उनके पास, अब वो भी अपनी फैमिलीज के मारे हुए हैं, तो अनसब्सक्राइब करना सही नहीं है। बस उनको बोलो कि यार गेम प्ले आप अपने मोबाइल गेम प्ले दिखाइए ताकि हम आपको अप्रिशिएट कर सकें उस चीज़ के लिए। तो यार ये गलत है, अगर आप एमुलेटर प्लेयर को अगर सपोर्ट नहीं करो, एक्चुअली यार एक्चुअली ये नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं है यार, गेमिंग तो वही करनी है, चाहे पबजी पीसी खेलो चाहे पबजी मोबाइल। अगर माउस यूज़ करो तो एमिंग तो दोनों में ही मेहनत बराबर होगी। ओके यार काफ़ी बात हो गई, चलो बाय। ठीक है भाई, बाय यार विवेक भाई, गुड नाइट, सी यू टुमारो भाई। ठीक है, और भाई हाँ मैं कह रहा था माउस यूज करो तो यार मेहनत तो दोनों में उतनी ही लगनी है, एमिंग तो उतनी ही लगनी है, हाथ बैठने में टाइम तो उतना ही लगना है। तो कभी ऐसा मत सोचिएगा, कई लोग मजबूरी में करते हैं। इंडिया में एक्चुअली इंडिया में मैक्सिमम इस वजह से किया जाता है क्योंकि पबजी मोबाइल के सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, पबजी पीसी के सपोर्टर्स थोड़े से कम हैं। सो पबजी मोबाइल इसी वजह से लोग और एडवांटेजेस लेके एमुलेटर यूज़ करते हैं, इसी वजह से सम प्ले ऑन एमुलेटर बिकॉज दे मे नॉट बी हैविंग अ गुड मोबाइल। हाँ ये भी मजबूरी होती है कई लोगों की, क्योंकि वो जहाँ सोचते हैं कि 13,000 हम बेस्ट करेंगे, 13,000 15,000, एक्चुअली मेरी ही मोबाइल जो है वो ही 14,000 की है मोबाइल मेरी। सो गाइस 14,000 अगर कोई मोबाइल में वेस्ट करना चाहेगा तो उससे बेटर है वो 14,000 अगर वो अपनी पीसी में वेस्ट लगाता है तो उसका पीसी काफ़ी हाई मतलब स्पेक्स का हो जाएगा। रैम तो बढ़ानी होती नहीं है, सॉरी हार्ड डिस्क तो बढ़ानी होती नहीं है, सिर्फ रैम बढ़ाना होता है और आपके GPUs बढ़ाने होते हैं। तो गाइस GPU जो है वो भी आपका करीब करीब 10,000 के अंदर अंदर अच्छे खासे, 5,000 10,000 के अंदर अंदर अच्छे खासे GPUs आ जाते हैं। और जो रैम होते हैं, रैम भाई रैम तो 1500 में आजकल 2 GB आने लगे हैं, 2 GB सॉरी रुको, 1500 में 4 GB भाई, 1500 में 4 GB, 2 GB 4 GB कुछ ऐसे ही है। सो इसी वजह से लोग मोबाइल में कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इससे बेटर है कि वो अपनी पीसी को अपडेट करके, वो पीसी का एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा है। आप मोबाइल को मतलब कोई भी फंक्शन कर रहे हो आप मोबाइल में लिमिटेशंस आपको मिलते हैं, लेकिन पीसी में कोई लिमिटेशन नहीं होता, आप कुछ भी यूज़ करो किसी भी तरीके से यूज़ करो, पीसी पे आपको खुला छूट होता है। तो यहाँ पे वो एडवांटेजेस उठाते हैं। तो पबजी पीसी इज डेड नाउ, एक्चुअली नो, नॉर्थ अमेरिका में अभी भी पबजी मोबाइल के प्लेयर्स पबजी पीसी के आधे हैं। कैन यू इमेजिन, आधे सॉरी आधे नहीं, आधे से भी कम होंगे यार, मैं वो रिपोर्ट से थी काउंट याद नहीं रखा, लेकिन अप्रॉक्स 50% हैं। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में अभी भी जो डबल हैं पबजी पीसी के प्लेयर्स डबल हैं अप्रॉक्स इन कंपैरिजन विद पबजी मोबाइल। तो यार ऐसा कुछ नहीं होता, पबजी पीसी यार एक अलग ही लेवल है, उसकी ग्राफिक क्वालिटी और उसकी प्ले गेम प्ले काफ़ी अच्छी है। मैं एक्चुअली पबजी पीसी सिर्फ इसी एक ही चीज़ के लिए खेलना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक्चुअली पहले खेलता था CS 1.6, काउंटर स्ट्राइक 1.6, और उसमें मेरी जो एमिंग एमिंग कैपेबिलिटीज थी वो इतनी बेस्ट थी कि मैं पांच कॉलेजेस के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स के बीच में मैं टॉप पर था। तो इस वजह से मूड होता है, कई बार मन आता है कि यार पबजी पीसी अगर मेरे पास हो और मैं उस पर हाथ धीरे धीरे सेट कर लूँ महीने डेढ़ महीने खेलने के बाद। पबजी पीसी नहीं एक्चुअली, हाँ पबजी पीसी या फिर ब्लैक आउट ब्लैक ऑफ से कॉल ऑफ ड्यूटी, क्योंकि अब तो श्राउड जो है कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने लगा, एक्चुअली मैं श्राउड के साथ कॉम्पीट करना चाहता हूँ एक बार। मानता हूँ श्राउड बहुत हाई प्लेयर है यार, लेकिन क्या करूँ यार, अपने टैलेंट पे काफ़ी वो होता है, गर्व होता है, क्योंकि मैं भाई पहले से बचपन से ही एक अच्छा खासा गेमर रहा हूँ, और भाई गर्व है मुझे कि मैं ऐसा गेमर हूँ कि यार मैं अपने पूरे एरिया में मीन्स इधर 4-5 सिटीज़ में सबसे बेस्ट पे रहा था। ये हालत हो गई कि मुझे रोकने के लिए उन्होंने मेरी टीम के साथ फिक्सिंग की, अनफॉर्चुनेटली फिक्सिंग की, डराया धमकाया पहले, उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने ऑफर भी कर दिया कि अगर
ये करोगे तो ऐसी चीजें होंगी। और बल्कि अगर आप यार अगर आप हमारे साथ आ जाते हो तो आपको बल्कि प्राइज मनी के कुछ शेयर्स भी दिए जाएंगे। तो गाइस ये चीज़ थोड़ा सा दिल तोड़ने वाला था उस टाइम पे, क्योंकि यार मेहनत बात ये है ना, मेरे भैया का उस समय था, मैं उस समय क्लास 10th में था। मैं क्लास 10th में होने के बावजूद भैया कॉलेज में थे, उनका थर्ड ईयर था, फोर्थ ईयर में मैं फाइनल्स पहुंचा था उनके टीम के अपोजिट। थर्ड ईयर में तो हम सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में नहीं सेमीफाइनल में हम नॉकआउट हुए थे। और जो फोर्थ ईयर था उसमें हम फाइनल्स में पहुंच चुके थे। बस यही था कि पांच प्लेयर्स होते हैं CS 1.6 में, हम तीन भाई थे, एक तो मेरे सगे भाई थे, एक मेरे बड़े पापा के लड़के थे, वो लाला नाम से हम वो लाला से खेलते थे। हम स्निक्स मैं स्निक्स से खेलता था। स्निक्स इसलिए क्योंकि स्निकिंग काउंटर स्ट्राइक में स्निकिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब मायने रखती है। आप अगर वॉक करते हो तो आपका फुट स्टेप नहीं आता, तो स्निकिंग और स्नाइपिंग ये दोनों मेरी सबसे बड़ी कैपेबिलिटीज थी और सबसे बड़ी खूबी थी मेरी। इस वजह से मेरी मतलब कि मेरा जो नाम था, मैं सोचता था स्नाइपर स्नीकर, तो मैंने उसी का कॉम्बो रखा है, स्निक्स स्नाइपिंग किलर एक्स स्निक्स। भैया ने यह नाम रखा था, स्नाइपिंग किलर एक्स मुझे नाम दिया था, और मैं उनके सामने ऑप्शन रखा था तो मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म निकाला स्निक्स। सो गाइज आपको मेरा नाम कैसा लगा प्लीज उसके बारे में बताना जरूर। और यार ऑलमोस्ट डेड बिकॉज ऑफ COD ब्लैक ऑप्स 4। हाँ हो सकता है, क्योंकि COD ब्लैक ऑप्स 4 भाई साहब बहुत तेजी से बढ़ा है। एक्चुअली पबजी पीसी के साथ साथ पबजी मोबाइल भी डेड हो जाएगा अगर काउंट COD मोबाइल में भी आ जाए और उसके ग्लिचेस ना हो। लाइक जैसे अभी पबजी अरे सॉरी काउंटर स्ट्राइक जो है, अरे सॉरी COD कॉल ऑफ ड्यूटी 4 जो है ब्लैक ऑप्स 4, उसमें ग्लिचेस नहीं है भाई, बहुत हाई लेवल का गेम बनाया उसने, उसमें ग्लिचेस नहीं है, उसमें कोई लैग नहीं होता है। तो गाइस इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा अंडर डिमांड है। यार उसकी बात ही अलग है। और फोर्टनाइट के लिए मैंने अप्लाई किया गाइस, जल्द जैसे ही फोर्टनाइट आएगा यार मैं फोर्टनाइट की तरफ मूव करने वाला हूँ। और फोर्टनाइट का मतलब इंटेंस अग्रेसिव और अट्रैक्टिव गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फोर्टनाइट गाइस कॉमेडी जरूर लगती है लेकिन फोर्टनाइट गाइस इजी भी नहीं है, आपको पता है भाई। आप खुद ही सोचो, एक साथ बंदा बना घर भी बना रहा है खुद को डिफेंड करने के लिए, साथ ही साथ गोली भी चला रहा है, और साथ ही साथ उसके पास शील्ड भी है, शील्ड है, दीवार है, हेल्थ है उसके पास, यहाँ तक कि खुद को शॉक वेव करने का भी है, कहीं शॉक वेव करके भाई वो बहुत ऊपर चला जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, इसी वजह से मुझे फोर्टनाइट कई बार ज़्यादा अच्छा लगता है पबजी पबजी मोबाइल से। पबजी मोबाइल इंटेंस गेम प्ले है, रियलिस्टिक है, ये चीज़ें हैं, लेकिन पबजी मोबाइल का 9.0 वर्जन भाई, उसका मैं वीडियो डालने वाला हूँ गाइज, उसको जरूर देखना, उसको भूलना नहीं, उसको देखना या कंपल्सरी है उसे। मैं बनाऊंगा आज, मतलब आज तो मैं सो रहा हूँ, कल मैं एक्चुअली कल नहीं नवमी है, कल अष्टमी नवमी दसवीं का तीन, तो ये तो मेले वाले समय है तो दुकान मुझे देखना पड़ेगा गाइस। मैं ये मेले के बाद मैं बनाने वाला हूँ। अरे बंदर, ओ गौरव भाई वेलकम टू माई स्ट्रीम यार। तो हाँ मैं बंदर तो हूँ भाई, देख लो शक्ल ऐसी है, चोमू जैसी थोड़ी सी लगती है। सो यार ऑसम नेम ब्रो, थैंक यू तन्नो हजारिका ब्रो, थैंक यू फॉर यार हमारे साथ बने रहने के लिए और मेरे नाम को यार पसंद करने के लिए। स्नाइपर प्लस स्निकर और किलर एक्स, तो स्निक्स इज शॉर्ट फॉर्म, इसे 0 पॉइंट है भाई, 0.9.0 है वो, ठीक है 0.9.0। तो गाइस उसका देखना बहुत अच्छा है, ठीक है 9.0 नहीं है वे, नो 0.9.0 है वो भाई, ठीक है। जैसे 0.8.5 था, ठीक है, तो अभी वो है 0.9.0, तो उसे मैं 9.0 इन शॉर्ट फॉर्म बोला। यार ऐसा कौन सा है, मेरी क्यों खिंचाई कर रहे ऑन द स्ट्रीम हूँ मैं गाइस, क्यों मजाक ले रहे हो मेरे। तो हाँ नाम का मैं बता दिया ओके गाइस, तो मैं वीडियो उसका बनाने वाला हूँ और आपको लोगों को देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस उसकी पर मतलब व्यूज के मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, मतलब बहुत कम काउंट है वो, लेकिन यार कुछ मिलेंगे तो। और एक्चुअली वो डीओ रिकॉर्डर की तरफ से मेरा मतलब क्या कह सकते हैं, वो ऐड वाला होगा, ठीक है ऐड होगा, एक इंट्रो और आउट्रो एक ऐड होगा, और उसका मुझे एडवांटेज मिलेगा।
आप जब व्यू करोगे ठीक है, तो प्लीज़ यार गाइस चेक जरूर करना, चेकआउट कर जरूर करना, और उसे लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। जितना ज़्यादा शेयर करके उसका मैं बढ़ा सको यार, उतना ही ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा। चल सो जा, पक्का पका मत भाई, ठीक है, गुड नाइट यार। मैं पकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बातें कर रहा था अपने सब के साथ। ठीक है प्रज्वल प्रकाश भाई, गुड नाइट, सही हो टुमारो। और गाइस पहले कल जरूर पहले स्ट्रीम पे जाना, आज आप लोग काफ़ी देर से आए हो, ठीक है। और गौरव भाई यार, आप लिटरली आपसे मेरे बहुत मतलब गिले सीख हैं। अब क्या है ना कि हम वो गाना नहीं गा सकते, हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे गिला करो, तो वो डबल मीनिंग आ जाता है, तो वो गाना गा नहीं सकता यहाँ पे। और तो इस वजह से, और देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो यूट्यूबर हैं जो अभी तक ऑफलाइन नहीं गए हैं, बियर्डेड नहीं गए हैं, और मेरे पास स्नाइपर फ्रॉम YT हैं, वो भी ऑफलाइन नहीं गए हैं, सभी के सभी बने हुए हैं यहाँ पे। यार फिर बताओ यार, बात करने में इतना अच्छा लगता है ना आप लोगों के साथ कि यार जाने का मन नहीं करता। अबे यार नाइट बोर्ड कोई, मेरा नाइट बोर्ड संभाल लो यार, नाइट बोर्ड से मैं मतलब तंग आ गया हूँ यार, पागल नाइट बोर्ड साला, मर जा साले तू कहीं जाके। ठीक है गाइस, गुड नाइट, सी यू टुमारो, और वंदे मातरम, जय हिंद, और चलते हैं, मन तो नहीं है बिल्कुल भी, चलो गुड नाइट।